Okay, good evening everyone. I hope you guys are doing great. We'll continue our discussion. कल आपको चैप्टर नंबर 7 का एक इंट्रोडक्शन दिया था एंड हमने SA 700 के साथ शुरुआत किया था, जहां सबसे पहले वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। एंड आई थिंक अपना काफी डिटेल में मेजर डिस्कशन हो गया था। देर आर हार्डली फ्यू एलिमेंट्स विच आर लेफ्ट एंड उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स तो आपको बाद में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, तो बचे हुए एलिमेंट्स का एक बार जनरल डिस्कशन कंप्लीट कर देते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, थोड़ा रिवाइज करते हैं कल हमने क्या क्या एलिमेंट्स पढ़े थे एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो हमने 700 में जब एंटर किया था, सबसे पहले डिस्कस किया था ऑब्वियसली टाइप ऑफ ओपिनियन। हमें मालूम है देर इज मॉडिफाइड एंड देर इज अनमॉडिफाइड। ऑब्वियसली आज जब हम 705 पे जाएंगे तो टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस का डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज 700 के बाद में हम 705 के ऊपर ही शिफ्ट होने वाले हैं। उसके बाद में हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि भाई स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है उसमें नॉर्मली क्या क्या एलिमेंट्स कवर्ड होते हैं, क्या क्या कंटेंट कवर्ड होते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट द स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, स्टार्टिंग था हमारा टाइटल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर हमने पढ़ा एड्रेसी कि नॉर्मली रिपोर्ट किसको एड्रेस किया जा रहा है। वो नॉर्मली एड्रेस किया जाता है मेंबर्स को। इट कैन बी एड्रेस टू बीओडी ऑल्सो, थर्ड पार्टी को भी एड्रेस कर सकते हैं अगर वो स्पेशल पर्पस एंगेजमेंट्स हुए तो। जनरल पर्पस एंगेजमेंट्स में नॉर्मली ये एड्रेस किया जाता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, एक स्टैंडर्ड सा सेंटेंस होता है दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आती है दैट इज योर ओपिनियन हेडिंग। अगर मैं बात करता हूं ओपिनियन हेडिंग के बारे में, उसमें हमारे पास दो चीजें आएगी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्या आएगा? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जहां हमें बताना पड़ता है कि हमने कंपनी का नाम क्या है जिसका ऑडिट किया है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या टाइटल्स कवर्ड है, क्या क्या चीजों को हमने डिटेल में ऑडिट किया है। बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स हो गया, एसओसीई हो गया, कौन सा रेलिवेंट पीरियड कवर्ड था वो हमें बताना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे ओपिनियन के अंदर सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वहां पर ये कवरेज होता है। मतलब अंडर ओपिनियन दो सेपरेट पैराग्राफ्स आएंगे। पहला वाला पार्ट जो पार्ट होता है वहां पर एक तरीके से कुछ जनरल चीजें आती है, कंपनी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या टाइटल्स है जिनको हमने कवर किया उनका रेफरेंस आएगा, क्या पीरियड कवर किया गया था। एंड बेसिकली ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि हमने ऑडिट किया है इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद में आता है एक्चुअल ओपिनियन। ये पैराग्राफ हमारा एक्चुअल ओपिनियन पैराग्राफ है, पर इसका जो लैंग्वेज है वो हमने डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज आई वांटेड कि हम 705 का डिस्कशन कर लें फिर लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करें। बट आपको एक चीज बताई थी, इसकी जो लैंग्वेज है वो डिपेंडेंट होती है कि हमारा ओपिनियन कौन सा है। अगर हम क्लीन ओपिनियन देंगे तो जनरली हम बोलते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू और इट्स प्रेजेंटेड फेयरली। नॉर्मली इस तरीके से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर लेट्स से मॉडिफाइड हुआ तो क्वालिफाइड में अलग लैंग्वेज आएगा, एडवर्स में अलग लैंग्वेज आएगा, डिस्क्लेमर में अलग लैंग्वेज आएगा। मतलब इस पैराग्राफ का लैंग्वेज बदलेगा डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा ओपिनियन दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनका प्रिपरेशन किस फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है। कल हमने दो फ्रेमवर्क डिस्कस किए थे, वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, द अदर वन इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में याद रखना कंप्लाई तो करना ही है जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, बट क्या एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट किया जा सकता है? हाँ। क्या आपको डिपार्ट करने का ऑप्शन दिया गया है? यस। इन कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपको कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वहां बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और फेयर प्रेजेंटेशन में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा हमारा लैंग्वेज में मेजर डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन का हेडिंग। तो सर ओपिनियन हेडिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड पार्ट इज आवर एक्चुअल ओपिनियन। इज दैट क्लियर टू यू? इसमें आपको अगर पता होना चाहिए तो एक ही चीज पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लाइन होती है हमारी नॉर्मल ओपिनियन में, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे कॉमन ये एक लाइन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। आप पूरा पैराग्राफ ना भी लिखो बट एटलीस्ट ये जो पहली चार लाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्लीन ओपिनियन में इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जाता है।
क्वालिफाइड में कैसे बदलेगा, वी विल एक्सप्लेन यू. एडवर्स में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, वो भी बताएंगे. एंड डिस्क्लेमर में तो दोनों पैराग्राफ में थोड़ा बदलाव आएगा, वो भी आपको बताएंगे. हाउ इट विल चेंज, जब हम 705 का डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा. अभी के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट को एक बार डिस्कस करना है. इज दिस क्लियर टू यू? इसके बाद हम गए अगले हेडिंग पे, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन. सबसे पहला चीज, चाहे क्लीन ओपिनियन आए या मॉडिफाइड आए, ये हेडिंग हमेशा आएगा. मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन आने ही वाला है, वेदर वी गिव अ क्लीन ओपिनियन और वी गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन. तो सर क्वेश्चन ये आता है, ये बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर क्या चीजें आएगी? चार पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, कल आपने लिखे भी थे. सबसे पहले हम बोलते हैं दैट हमने ऑडिट कंडक्ट किया है एज पर एसेस. फिर हम बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको एक सेपरेट सेक्शन में दिया है, वो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हेडिंग पढ़ना पड़ेगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हेडिंग मिलेगा. फिर हमें बताना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंड ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड एज पर कोड ऑफ एथिक्स एज वेल एज द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन. ये हमने कंप्लाई किया है, हमको लिखना पड़ेगा. फिर ऑडिटर को ये भी बोलना पड़ेगा, ऑडिटर बिलीव करता है कि उसने अपने ओपिनियन तक आने से पहले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, उसके बेसिस के ऊपर ही उसका ये ओपिनियन आया है. क्लीन आया है तब भी उसका बेसिस रहेगा, क्वालिफाइड आया है तब भी उसका क्या रहेगा? बेसिस रहेगा. ऑडिट एविडेंस तो आपको ऑब्टेन करना ही चाहिए. ये चार स्टेटमेंट ना बेसिस फॉर ओपिनियन में हमेशा आते हैं, इसीलिए आपको पहले बताया दैट दिस विल कम वेदर वी गिव अ क्लीन और मॉडिफाइड, डज नॉट मैटर. द पैराग्राफ का जो कंटेंट है, दिस विल कम इवन इन क्लीन एज वेल एज इन मॉडिफाइड. बस मॉडिफाइड में एक चीज और आएगी, इस पैराग्राफ के साथ साथ में एक एडिशनल पैराग्राफ आ जाएगा जहां पर हम देंगे रीजन फॉर मॉडिफाइड कि हम क्वालिफाइड क्यों दे रहे हैं, हम एडवर्स क्यों दे रहे हैं, हम डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं, उसका जो रीजनिंग है वो एक एडिशनल पैराग्राफ में आएगा. आज 705 के डिस्कशन के साथ में आपको फिर से वो डिटेल में बताएंगे. क्या इतना बेसिस फॉर ओपिनियन आपको समझ में आया था? वेरी गुड. इसके बाद हमने अगला हेडिंग डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर. अब सर ये जो डेडिकेटेड एसे है, एसे 701, वहां पर आपको बताएंगे की ऑडिट मैटर क्या रहता है एंड ऑब्वियसली इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, हमको ड्राफ्टिंग कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ 701 के अंदर आएगा. देखो, नॉट एवरी स्टैंडर्ड कैन बी लिंक्ड विथ वन स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन गो. सिर्फ 701 के लिए हमको डेडिकेटेड एक लेक्चर डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा 701 का कंप्लीट क्लैरिटी आएगा. मे बी मोर देन वन ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि आपका एग्जाम्पल का डिस्कशन अगर अच्छा चलते रहा इट कैन गो टू टू लेक्चर्स ऑल्सो. तो हर स्टैंडर्ड का जहां रेफरेंस आ रहा है, आप घबराइएगा मत, वो डेडिकेटेड ऐसे के साथ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जब आप खुद से 700 पढ़ने के लिए जाएंगे आप उसको और बेटर कनेक्ट कर पाएंगे. अब कैम के बाद में हमको एक वर्ड पता था दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. तो हमने गोइंग कंसर्न रिलेटेड एक रेफरेंस देके रखा था एसए 570 का. अब देखो ऑनेस्टली ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न ना हर रिपोर्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंड कंपनी ने इसको ना डिस्क्लोज कर दिया होगा. आपको एग्जांपल्स भी देंगे दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड कंपनी ने उसको क्या कर दिया होगा, डिस्क्लोज कर दिया होगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. तो पहले ये चीज ना एक पैराग्राफ में आती थी, ईओएम पैराग्राफ में. कहां आती थी? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में. फिर उन्होंने 570 को रिवाइज कर दिया. कैसे रिवाइज किया पूरा 570 में डिस्कस करेंगे. और तब से एक सेपरेट हेडिंग आती है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जहां पर ये मैटर आ सकता है. इट डज नॉट कम इन एवरी ऑडिट रिपोर्ट, इसीलिए 570 को रेफर करना चाहिए, वहां सिचुएशन समझने पड़ेंगे, तब जाके क्लैरिटी आएगा कि कहां हमें ये सेपरेट हेडिंग देने का जरूरत है. कभी कभी होगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, तो शायद हो सकता है मॉडिफिकेशन ही आ जाए और ये हेडिंग आएगा ही नहीं, तो कब ये सिचुएशन बदलेगी पूरा 570 में आपको पढ़ाया जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? फिर आपको एक रेफरेंस के लिए लिखाया होगा एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. उसके लिए रेफरेंस हमने क्या दिया था? 706 का. फिर हमने एक अदर इन्फॉर्मेशन आपको कल लास्ट में एक्सप्लेन किया था, उसके लिए रेफरेंस दिया था एसए 720 का. तो ये जो लास्ट वाले चार पांच एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए डेडिकेटेड एसेज हैं. एक एक करके उन एसेज को हम डिस्कस करना शुरू भी करेंगे एंड देन यू विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. अभी एक तरीके से सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, इसीलिए आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, बट इनका डिटेल्ड डिस्कशन स्पेसिफिक एसे में ही होगा. क्या हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करें?
अब दो ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जो हमने कल डिस्कस नहीं की थी. वन इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वन इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सुनिएगा, पहले क्या था, ओल्ड रिपोर्ट में एक पैराग्राफ आता था जिसको हम बोलते थे स्कोप पैराग्राफ. क्या बोलते थे? स्कोप पैराग्राफ. एंड इसमें दो चीजें आती थी, वन वॉज कॉल्ड एज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर वॉज कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों सेपरेट पैराग्राफ ही थे बट जनरली उनको बोला जाता था दैट इट इज कॉल्ड एज स्कोप पैराग्राफ इन योर ऑडिट रिपोर्ट. अब ऐसा कॉन्सेप्ट हटा दिया है, अब ना उन्होंने दो सेपरेट आपको सेक्शन ही दे दिए हैं. एक है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ, दूसरा है ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ. अगर आप मुझे पूछेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट. दैट इज इन एक्सट्रीम डिटेल ऑल्सो, एंड वो पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट मान के चलिए 5 से 7 जो एसेज हैं, 315 हो गया, 600 हो गया, 701 हो गया, 260 हो गया, ये सारे एसेज को कंबाइन करके वो पैराग्राफ बनाया हुआ है. मतलब वो पैराग्राफ समझने के लिए वो एसेज हमको आने ही चाहिए. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस करके बताऊंगा. बाकी हमारा पूरा चैप्टर 1 to 7 खत्म होने के बाद में वी विल कम बैक टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीड इट अगेन, तब आपको समझ में आएगा. मुझे याद करने का जरूरत नहीं है, अगर मुझे डेडिकेटेड एसेस पता है, वन लॉजिकल सेंटेंस अराउंड इट और आपका काम हो जाएगा. अभी के लिए दोनों में आता क्या है, एक जनरल डिस्कशन आपसे करते हैं. तब सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के साथ में. नोटबुक में जाइए, अंडर योर एलिमेंट्स राइट डाउन नेक्स्ट एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट. Responsibilities of management. Responsibilities of management. Okay, अब सबसे पहले आपको मालूम है, मतलब ये नहीं भी लिखा तो भी आपको पता रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज विद द मैनेजमेंट. एंड ऑब्वियसली ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF. लॉजिकल चीज है, ये उनका ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको पता है. तो अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट बुलेट पॉइंट नंबर 1 तीन चीज लिखनी है. नंबर 1, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट FS, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with applicable FRF, to prepare and present financial statements in accordance with applicable FRF, in accordance with applicable FRF. ये सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी को पता होता है. अब ऑब्वियसली आपको ये भी मालूम रहेगा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 134 है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर उसके रिगार्डिंग वापस से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, दे शुड बी गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सब कुछ सेक्शन 134 के अंदर लिख के दिया है. वहीं से बोरो करके इन्होंने लिखा है कि भाई मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FR. आपका एप्लीकेबल FR फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कंप्लायंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के लिए ये क्या सर्कमस्टेंसेस का बात कर रहे हो. कल आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए थे. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इंडिया के अंदर यू विल कंप्लाई विद AS और IND AS प्लस शेड्यूल 3, नॉर्मली ये आपका क्या कहलाएगा, एप्लीकेबल FRF कहलाएगा. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू. सेकंड चीज, आपको पता रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़िया से बनाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करके इंप्लीमेंट करना. तो सर ये इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का है. अब ये इंटरनल कंट्रोल एक ओपन एंडेड वर्ड है, आपको मालूम होगा देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज IFCs, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. फिर एक फैंसी वर्ड है ICFR, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स विच आर रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसका डिस्कशन सेक्शन 143 से रिलेटेड है, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर I, जहां पर ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन देने के लिए. इसके ऊपर आपको मालूम है एक गाइडेंस नोट भी दिया है कि भाई कौन से कंट्रोल्स ऑडिटर ने चेक करने चाहिए, अपने ओपिनियन अराइव होने से पहले उन्होंने क्या क्या चीजों को कंसिडर करके इवेल्युएट करना चाहिए. अब आपके सिलेबस में वो गाइडेंस नोट तो नहीं है, पर आपके सिलेबस में सेक्शन 143 का रेफरेंस जरूर है. तो मैं आपको एक एग्जांपल रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं. इन्होंने स्टेटमेंट जो लिख के दिया है वो सिंपल लिख के दिया है,
मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग बढ़िया कंट्रोल्स को डिजाइन करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्योंकि कंट्रोल्स बढ़िया होंगे तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर से बना पाएंगे। तो पहले दो स्टेटमेंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रीड कीजिएगा मेरे साथ में। पहला बोलता है प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, दूसरा बोलता है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग सच इंटरनल कंट्रोल्स जो हमें लगता है नेसेसरी होंगे टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कैन आई से ये दोनों बेसिक आपके इंटरमीडिएट लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने 210 में भी पढ़े होंगे। याद है एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर भी प्री कंडीशंस होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सेम ही लैंग्वेज है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन चले जाएगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, जब आपको इस तरीके के एग्जाम्पल हम बताएंगे। देखो नॉर्मली जब आपका ऑडिट रिपोर्ट हम फाइनलाइज करते हैं, लास्ट में एक हेडिंग आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको एक रेफरेंस मिलता है एनेक्सर का। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ IFCs हमने एक सेपरेट रिपोर्ट दिया है रेफर्ड एनेक्सर नंबर ए। अगर आप एनेक्सर नंबर ए के अंदर आएंगे नेक्स्ट पेज पे आपको पता चलेगा इट्स अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट कहां से आ रहा है, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आए कि ऑडिटर को IFCs विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनके ऊपर क्या देना होता है, ओपिनियन देना होता है। अब सुनिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल के टाइप्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर इन कंट्रोल्स को कैसे समझता है, कैसे चेक करता है, ये सब इंटरमीडिएट में भी था। फाइनल के अंदर भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है जहां पर ऑलमोस्ट सारा इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट पूरा डिटेल में आएगा। 143 का भी डिटेल में डिस्कशन होगा, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस नोट का भी एक ओवरव्यू दे देंगे। बाकी मेजोरिटी लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी स्टैट्यूटरी ऑडिट किया होगा, एटलीस्ट मैं अज्यूम करता हूँ एक बार गाइडेंस नोट को गो थ्रू किया होगा, नहीं कि पता भी है गाइडेंस नोट है, देयर इज अ गाइडेंस नोट फॉर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आई। रादर उस गाइडेंस नोट ने क्लैरिफाई किया कि भाई IFCs इज नॉट IFCs, IFCs इज एक्चुअली ओपन एंडेड ऑल इंटरनल कंट्रोल्स। एग्जांपल अभी एयरलाइन बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस के अंदर फ्लाइट टाइम पे लैंड करना चाहिए, टाइम पे टेक ऑफ करना चाहिए, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। बट ये कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट नहीं है, ऑडिटर के लिए मोस्टली फाइनेंशियल कंट्रोल्स रेलेवेंट है जो उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपैक्ट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो कंपनी में हैव 100 कंट्रोल्स बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ऑल 100 कंट्रोल्स, आई एम कंसर्न ओनली अबाउट दोज कंट्रोल्स विच आर इंपैक्टिंग माई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यही क्लैरिफिकेशन ICAI के गाइडेंस नोट्स में दिया है कि भाई ऑडिटर को कौन से IFCs को चेक करना है, इसीलिए फिर वर्ड आ गया IFCs which are relevant for financial reporting। यही लैंग्वेज आपको 143 में आपको पढ़ के एक्सप्लेन भी करेंगे और गाइडेंस नोट का भी एक अच्छा ओवरव्यू दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ऑल्दो इट इज नॉट रियली कवर्ड इन योर सिलेबस एट ऑल, बट 143 का डिस्कशन जब होगा तो पता होना ही चाहिए। यहां पर अभी सिंपल सा पॉइंट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल कि अच्छे कंट्रोल्स लगा के इंप्लीमेंट करना है, मैनेजमेंट। तो हमको तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, नोटबुक में जाइए राइट डाउन स्टेटमेंट नंबर 2, to design and implement adequate and effective internal controls, to design and implement adequate and effective internal controls to enable the preparation of financial statements, to enable the preparation of financial statements free from material misstatements, to enable the preparation of financial statements free from material misstatements। मतलब
हम चाहते हैं वो लोग बढ़िया कंट्रोल्स को डिजाइन करें एंड इंप्लीमेंट करें. वो कंट्रोल्स भी एडिक्वेट होने चाहिए, आगे बताएंगे ये एडिक्वेसी क्या है. एंड कंट्रोल्स इफेक्टिव होने चाहिए. एडिक्वेसी इज अबाउट डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस इज अबाउट देयर ऑपरेशन. कि कंट्रोल का डिजाइन भी बढ़िया होना चाहिए एंड ढंग से काम भी करने चाहिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट्स. इसका जिम्मेदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका होगा, मैनेजमेंट का. बेसिक दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे हिसाब से, आप सबको पता होगा. इस पॉइंट नंबर ए भी क्लियर टू यू. अब देखो फाइनल लेवल पे आई डोंट एक्सपेक्ट कि आईसीआई आपसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे, बट आई विल टेल यू व्हाट, देयर इज अ ट्रिक. इफ दे कम अप विद अ एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको ए और बी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अगला जो पॉइंट है ना वो क्या है, इतना स्पेसिफिक निकाल करके उन्होंने लिखा हुआ है मैनेजमेंट की और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट रिपोर्ट में ना एक और एडिशनल चीज आती है विच इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, विच इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. वो इतना स्पेसिफिक पॉइंट है कि आपको शायद तब स्ट्राइक नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा. वो पॉइंट नंबर सी ही मैं चाहता हूं आपको याद रहे, पता रहे. दैट इज वाई आई मेड यू राइट ए एंड बी, अदरवाइज ए और बी लिखवाने का जरूरत ही नहीं होता. मैं आपको हेडिंग ही एक्सप्लेन कर देता. ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ढंग से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा. थर्ड पॉइंट बोलता है कि मैनेजमेंट का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई उन्होंने अपने बिजनेस में गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना चाहिए. क्या करना चाहिए, गोइंग कंसर्न का. अब देखो 570 जो है ना वो इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल में, फाइनल में इतना डिटेल में ऑनेस्टली है नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा याद दिलाता हूं. आपको पढ़ाएंगे 570 को, डोंट वरी, बट रेफरेंस के लिए. ये मैनेजमेंट क्या करता है, आइडियली हर साल अपना खुद का गोइंग कंसर्न का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है. क्या करता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट दे शुड परफॉर्म दिस असेसमेंट, कि भाई उनके बिजनेस में पोटेंशियली कोई गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है क्या. ये असेसमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट. फिर उसको लगता है ना असेसमेंट के बाद में कि कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, कुछ चैलेंजेस नहीं मिल रहे, तो वो बोलता है, हम कंक्लूड करते हैं एज अ मैनेजमेंट, आई रिपीट, एज अ मैनेजमेंट आप कंक्लूड करते हो कि हमारे बिजनेस के लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है. क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है. ऑब्वियसली यार, हु विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट. अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे नॉर्मली बनाए जाते हैं, तो ये वैलिडेट करने का ड्यूटी पहला तो मैनेजमेंट का आएगा ना. तो मैनेजमेंट ही एक्चुअली पहले खुद के बिजनेस का असेसमेंट करता है, खुद ही कंक्लूड करता है कि मेरे बिजनेस के अंदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. अगर वो बोलता है प्रॉब्लम नहीं है तो वो बोलता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट. ये नॉर्मली मैनेजमेंट ने करना चाहिए. यही चीज यहां पे लिखी जाएगी, मैनेजमेंट ने ऐसा असेसमेंट किया है क्या, मैनेजमेंट का अजम्पशन क्या है अबाउट गोइंग कंसर्न, क्या वो अप्रोप्रिएट अज्यूम कर रहे हैं या वो इनअप्रोप्रिएट अज्यूम कर रहे हैं. क्योंकि अगर यही चीज आपको पता नहीं होगी तो ऑडिट शुरू ही नहीं हो पाएगा. ये मैनेजमेंट ने परफॉर्म करना चाहिए, इसके बाद ऑडिटर ने आके अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए. वो कहां डिटेल में आएंगे, ऐसे 570 के अंदर. अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़िएगा मेरे साथ में. मैनेजमेंट ने असेस करना चाहिए दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. मतलब असेसमेंट पहले कौन करता है, मैनेजमेंट करता है. फिर वो ये डिसाइड भी करता है वेदर वी शुड यूज गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब हमारा गोइंग कंसर्न का अजम्पशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. एंड इसके रिगार्डिंग अगर रिक्वायरमेंट है, कुछ मैटर्स वगैरह है, उन्होंने कंसिडर भी करने चाहिए एंड क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज भी करना चाहिए. क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज भी करना चाहिए. तो सर सबसे पहले सुनिएगा, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आएगा, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का. वो क्या करेगा, अपने बिजनेस का एक असेसमेंट करेगा. एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर वोडाफोन आइडिया हूं आज की तारीख के अंदर, तो मेरे लिए सबसे मेजर असेसमेंट क्या है कि मेरे पास में सफिशियंट पैसा है क्या, जो भी मेरे ड्यूज वगैरह पेमेंट करने के लिए है. इफ आई हैव सफिशियंट फाइनेंस और मनी टू मेक रीपेमेंट, जो मेरे को फ्यूचर में अगले 6 महीने में करने, अगले 1 साल में करने, अगर वो नहीं हुए तो मुझे खुद डाउट आ जाएगा अपने गोइंग कंसर्न के ऊपर, बराबर है क्या नहीं है. अगर मैं लेट्स से कोई ऐसा बिजनेस हूं जो रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, कमोडिटीज वगैरह के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज आर फाइटिंग राइट नाउ. सो अगर मेरा डिपेंडेंसी उन कंट्रीज के ऊपर है फॉर द पर्पस ऑफ रॉ मटेरियल, और मुझे लगता है उसकी वजह से मेरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो शायद मेरा एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशन है उस पर हॉल्ट आ सकता है. अगर मुझे ये ट्रबल लगता है और लगता है ये कंटिन्यू होगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और मे बी अ ईयर, तो मुझे डाउट आ सकता है दैट देयर कैन बी अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम. ये असेसमेंट करेगा कौन, मैनेजमेंट करेगा. क्योंकि वो बिजनेस रन करने का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है. सो दे शुड परफॉर्म दिस असेसमेंट. फिर वो कंक्लूड करेंगे कि लुकिंग एट ऑल the matters, going concern assumption appropriate लगता है या inappropriate लगता है. appropriate मतलब going concern assumption ठीक है,
इसके बेसिस पे अकाउंटिंग कर लो। इनअप्रोप्रिएट मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई और बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कहना इसे अकाउंटिंग करने का तरीका बदल सकता है, यस। आपके एसेट्स वगैरह के जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कौन से बदल जाएंगे पूरे के पूरे। आपको एनआरवी वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे फेयर प्राइसिंग भी आपके एसेट्स का रिकग्निशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है ऐसा है तो आपको नॉर्मली ये सब कंसिडर करके एज अ मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, पहले कंक्लूड करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, मैनेजमेंट की। आपको ना पूरा 570 नहीं लिखना, यहां पता होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न रिलेटेड पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैनेजमेंट की, फिर आएगी ऑडिटर की। गोइंग कंसर्न नाउडेज इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया, बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। आई विल शो यू आईसीआई के एग्जाम्पल्स ऑल्सो। बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने बनाए ना वो गोइंग कंसर्न के अराउंड ही बनाए। अब वो ये नहीं बोल रहे 570 से पूछूंगा, 700 से पूछूंगा, 705 से पूछूंगा, पर उनके केस सिनेरियो में गोइंग कंसर्न जरूर होता है। सो दैट इज वाई आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसका होता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है, ऑडिटर वाला पार्ट जो है वो 570 में पढ़ाएंगे। राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 3। मैनेजमेंट शुड असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड शुड कंसिडर and should consider whether the use of going concern basis should consider that whether the use of going concern basis of accounting the use of going concern basis of accounting is appropriate or not, is appropriate or not। अब 570 में मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, रिमेंबर 570 में भी ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, बट 570 इज एक्चुअली ऐसे है, ऐसे किसके लिए होता है, ऑडिटर के लिए होता है। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा, वहां पे क्या डिटेल में रहेगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आएगा। तो रिमेंबर पहले दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को याद रहेंगे, थर्ड पॉइंट हाई चांस है सबको ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहता है, लोगों को मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं होता है। एक और चीज आपके नॉलेज के लिए बोल देता हूं, यहां का रेफरेंस नहीं है बट स्टिल, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डीआरएस, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अपने बीओडी के रिपोर्ट में डीआरएस करके आता है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वहां भी उनको लिखना पड़ता है मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, वेदर दे आर यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस और नॉट। तो गोइंग कंसर्न बेसिस के रिगार्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उनके डीआरएस के अंदर भी लिखी जाती है। यह भी आपको पता होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, आपके सिलेबस वगैरह के तो बियॉन्ड है, बिकॉज आई टोल्ड यू कंपनी सेक्टर रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया है, सिर्फ रेफरेंसेज दिए हैं ऑडिट के सिलेबस में, बाकी आपका सेपरेट वो जो चल रहा है वो टाइम पास ही है, जो आप एमसीक्यू खेलते रहते हैं, दैट इज डिफरेंट। सो हियर इट्स मोर ऑफ सम रेफरेंसेस, अदरवाइज कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया? एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेगा, आइए लेट्स गो टू आरआईएल का रिपोर्ट। कैन यू सी हेडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। एक प्रॉब्लम है, एमसीक्यू बहुत ट्रिकी हुआ तो आगे पूछेगा एंड कैन यू सी वर्ड टीसीडब्ल्यूजी, तो क्वेश्चन पूछेगा ये टीसीडब्ल्यूजी हमेशा आता है कि नहीं आता है। Obviously, अगर कंपनी में TCWG अलग है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपको मालूम है TCWG here refers to audit committee, it refers to your audit committee। इनडायरेक्टली वो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, हो सकता है आपके पास में बोर्ड में टोटल 10 डायरेक्टर रहेंगे, 10 में से कुछ 2-3 लोग ऐसे रहेंगे जो बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल है, बाकी डायरेक्टर्स से कुछ कमिटीज फॉर्म की जाती है, वन सच कमिटी अंडर सेक्शन 177 इज कॉल्ड एज ऑडिट कमिटी। TCWG है दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोस मतलब सर्टेन पीपल, चार्ज्ड विद गवर्नेंस मतलब गिवन पावर एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर लॉ, इट्स मोर ऑफ अ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है,
हमारा मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के ऊपर हमारा टीसीडब्ल्यूजी आता है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी का काम है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरसाइट करना, मैनेजमेंट बराबर से काम कर रहा है क्या उसे ओवरसाइट करना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वगैरह। इसलिए अगर आपको पता होगा ना, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में पहला रिकमेंडेशन कहाँ से आता है, ऑडिट कमेटी से आता है, अगर आपको मालूम रहेगा। सो ये बेसिकली एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है किसको सर, ऑडिट कमेटी को। तो सुनिए, अगर कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी अलग है, मैनेजमेंट अलग है, आई रिपीट, कंपनी में मैनेजमेंट अलग है, टीसीडब्ल्यूजी अलग है, तो हेडिंग बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बट अगर छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिक कंपनी है, ऑडिट कमिटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं है 177 का, तो आपके जो बीओडी है वही मैनेजमेंट है और वही टीसीडब्ल्यूजी है, तब हेडिंग क्या बनेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तब वो टीसीडब्ल्यूजी वर्ड नहीं आएगा। एंड टीसीडब्ल्यूजी लिखा है मतलब टीसीडब्ल्यूजी अलग है इस ऑर्गेनाइजेशन में एंड मैनेजमेंट अलग है। इज दिस क्लियर टू यू? ये बस नॉलेज के लिए बेसिक अगर आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए एक बार थोड़ा रेफरेंस के लिए पढ़ लेते हैं, आपका एग्जाम वाला पार्ट तो खत्म हो गया, चलिए पढ़िए मेरे साथ में। द कंपनीज बीओडी is responsible for matters stated in section 134. जो क्या बोलते हैं, that they are responsible for preparation of financial statements and the financial statement should be prepared how, in accordance with generally accepted principles. मतलब कहना इसे section 133 मतलब your AS और Ind AS का reference दे रहा है, 133 is your AS और Ind AS, उसको आपको comply करना पड़ेगा। फिर देखो, this responsibility also includes कि आपको adequate records maintain करने पड़ेंगे, assets को safeguard करना पड़ेगा, frauds को prevent करना पड़ेगा, ये सब internal controls के examples हैं, अगर थोड़ा बहुत याद होगा intermediate में तो। These are all the examples of internal controls. Basically, हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे internal control लगाने पड़ेंगे। So there will be one important word, you have to implement and maintain adequate IFCs, that is called as internal financial controls. And ये controls क्या होने चाहिए, they should operate effectively. Controls adequate भी होने चाहिए and they should operate. इतना detail में आपके syllabus में नहीं है, but if you remember, मैंने आपको internal control लिखाते लिखाते दोनों word लिखा दिए, आप चेक करो internal control के ऊपर, वैसे आपके module में नहीं है, but you have used both the words, adequacy and effectiveness. Are you understanding this? They are the core terms. वो दोनों word पता होने चाहिए। Controls कैसे होते हैं, adequate होते हैं and they should be ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये दोनों चीजें 143 के अंदर आगे भी आएगी। अब ऑब्वियसली इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट एंड बोर्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट सर, असेसिंग, क्या असेस करेंगे, द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड इससे रिलेटेड कोई मैटर रहा तो उन्होंने डिस्क्लोज भी करना चाहिए क्या, यस सर, क्या उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि क्या यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अगर इनअप्रोप्रिएट है तो उनको बताना पड़ेगा क्यों इनअप्रोप्रिएट है, और अगर अप्रोप्रिएट है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अनलेस देर आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज, उनको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देने का जरूरत भी नहीं होगा। मतलब अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो इससे आप ये फॉर्मेट भी फ्रेम कर सकते हैं, एटलीस्ट रीड तो कर सकते हैं थोड़ा अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा समझ में आया। आपको एग्जाम के लिए ये सब नहीं आना चाहिए, तीन पॉइंट जो आपने लिख के दिखे वो हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपेक्टेशन आए से आएगा, ओके। अब ऑब्वियसली जब तुम आरआईएल के पास जाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, यू नो व्हाट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करंटली इन इंडिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्लायंसेस हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट डाउन द नेक्स्ट एलिमेंट, अगला एलिमेंट लिखिए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, इसका सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देंगे, ऑनेस्टली इसका डिस्कशन सारे एसेस के बाद में होना चाहिए, देर इज अ रीजन बिकॉज अलग अलग एसेस से ही रेफरेंसेज आए हुए हैं, तो पहले डैश करके लिखिए वहां पर, लेट्स कंप्लीट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस, डैश करके लिखिए, रीड आफ्टर ऑल सिग्निफिकेंट एसेज, रीड आफ्टर ऑल सिग्निफिकेंट एसेज फ्रॉम चैप्टर 1 to 7, क्योंकि 1 to 7 में आपके मेजर चैप्टर के एसेज कवर हो जाते हैं, उसके बाद में आपने आइडियली ये पढ़ना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा 2-4 मिनट स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत आई एम अज्यूमिंग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए रहेंगे, फाइनल में हो। सो There's a reference given to you, note number 1. तो जब आप आगे आएंगे आपको note number 1 मिल जाएगा, उस note number 1 का heading रहेगा auditor's responsibility. अब इसमें तीन section है, देखो actual auditor responsibility कैसा दिखता है reference के लिए, अगर आप मुझे पूछेंगे, last में आपको एक format मिलेगा,
यहाँ पे यू विल रियलाइज दैट देर इज अ हेडिंग कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन लिटरली टिल हियर. इट्स ऑलमोस्ट वन पेजर. यहाँ पे जो कंटेंट है एग्जैक्ट सेम. अगर आप आरआईएल के रिपोर्ट में भी जाएंगे लिटरली वर्ड बाय वर्ड यही कंटेंट मैच होने वाला है. कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा. अब देखो इतना सारा लिखा हुआ है. अब आपको पता है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं आता है. दोज हु डोंट हैव दे कैन पिक इट अप. सो अब एग्जाम में आपको पूरा ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखने के लिए तो नहीं बोलने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एंड इन रियल लाइफ वी जस्ट डू कंट्रोल से कंट्रोल वी, क्योंकि ड्राफ्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी. बट एटलीस्ट बेसिक कंटेंट क्या है एक बार रीड करने का ट्राई करते हैं. पढ़ने के बाद थोड़ा समझ सकता है क्या. लिखना अभी नहीं है क्योंकि इसको आइडियली पूरे एसेस कवर करने के बाद में अगर आप ढंग से रीड करेंगे तो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू रीड दिस. एक बार रीड करने का ट्राई करते हैं. आइए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए नोट नंबर 1 में 3 सेक्शन में डिवाइड करके दिया है. इफ यू कम टू नोट नंबर 1, हर ऐसे के एंड में जहां जहां जरूरत होती है कुछ नोट्स आपको देखने को मिलेंगे. सेक्शन नंबर 1 देखिए, ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या स्टेट करना पड़ेगा. पढ़ के देखिए ऐसा लग रहा है क्या, ये आपका ऐसे 200 था. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. सबने याद किया होगा दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड क्या अकॉर्डिंगली हमको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा. यस. फिर बोलेगा देखो रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल अश्योरेंस बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. आपको मालूम है 100% गारंटी तो है नहीं, इसीलिए ट्रू एंड करेक्ट नहीं होता है, ट्रू एंड फेयर होता है. डोंट यू थिंक ये सब कंटेंट आपको पता है, पता ऐसा लग रहा है क्या थोड़ा बहुत. अगले पेज पे आओ जरा. कैन यू सी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सिंप्लीफाइड तरीके से एक डायग्राम बना करके दिया है. देखना जरा ध्यान से. ऐसा कुछ तो पढ़ने के बाद ज्यादा था क्या. ऑडिटर ने स्टेट करना चाहिए कि भाई उन्होंने अपने जजमेंट का इस्तेमाल किया है एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल किया है पूरे ऑडिट में. उन्होंने डिस्क्राइब करना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किस किस चीज के रिगार्डिंग, इन चीजों के रिगार्डिंग. पढ़ के देखो जरा. पहला पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऐसे 315 याद आया क्या. टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है या नहीं है. गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का जो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. ये सब कुछ डेडिकेटेड एसेस से आ रहे हैं, इसलिए आप लिटरली सारे ऐसे पढ़ने के बाद में यहाँ पे आएंगे. मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा बस कि भाई ये एसेस के इंपॉर्टेंट एक एक सेंटेंस को लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा. ऑनेस्टली आई डोंट एक्सपेक्ट कि नाउ आईसीआई आकर के आपसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखने के लिए 5 मार्क देगा. मेरे को नहीं लगता है. वो थोड़ा अगर आपको परेशान करेगा तो इसके बियॉन्ड जाएगा. दैट्स लाइक 701 हो गया, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न वाला पार्ट हो गया, ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती है वहां उसने आइडियली क्वेश्चन पूछने चाहिए. दिस अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट रियली गुड फॉर रिमेंबरिंग, बिकॉज आस्किंग अ डायरेक्ट सच क्वेश्चन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 मार्क के लिए इतना अच्छा ऐसे नहीं होगा आपके लिए, मेरे को ऐसा लगता है. सो प्लीज यू शुड नॉट ब्रेक योर हेड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. विल डिस्कस दिस एज पर रेस्पेक्टिव एसेस लेटर ऑन. इज दैट फाइन. चलिए लेट्स क्लोज इट ऑफ, खत्म करते हैं ऑडिट रिपोर्ट का आखिरी का पार्ट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. क्या बचेगा लास्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया. लास्ट में क्या है, एक ही मेन चीज बचेगी. यू रिमेंबर दिस, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. लिखिए अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलिमेंट्स में नेक्स्ट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डैश करके लिखिए. रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. देखो अब एक्चुअली में बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको अपने रिपोर्ट में कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, इसीलिए ये आता है. सो अगर कोई लॉ या एप्लीकेबल रेगुलेशन आपको बोलता है दैट आपके स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दिस इज बेसिकली अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑलरेडी कौन से हेडिंग में आ चुका है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है, एक सेक्शन है 143 सबसेक्शन 3, अगर आपने सुना होगा, रिपोर्टिंग ऑन प्रिंसिपल असर्शंस. कुछ चीजों के रिगार्डिंग हमको रिपोर्ट में लिख के देना पड़ता है दैट सर क्या हमने
कंपनी के से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं किया है, ब्रांच ऑफिस वगैरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको एक्सेस मिले हैं या नहीं मिले हैं, फिर कंपनी ने आईएफसी को ढंग से बनाए कि नहीं बनाए, उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा आपका एक सबसेक्शन है 143 का, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि लॉ बोलता है आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए आपके ऑडिट रिपोर्ट में ही आता है। मतलब दिस हेडिंग इज एक्चुअली नॉट कंपल्सरी, बट द प्रॉब्लम इज In majority companies it will be there because obviously all the companies are governed by Companies Act. तो ये as it is आ जाएगा। अब for example banking companies है तो RBI के guidelines की वजह से कुछ अगर additional report करना है वो भी इधर आ जाएगा। अब अगर PSU वगैरह रहेगा public sector undertaking like SBI and all, उसके regarding अगर additional requirement है वो भी कहां पर आने वाली है, यहीं पर। तो can I say standard reporting कहां आना चाहिए, auditor responsibility में। कुछ law के हिसाब से additional report करने का जरूरत है तो कहां पर आएगा, other reporting responsibility में। इसलिए नाम देखो क्या है, report on अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें वही चीज देंगे जो या तो लॉफुली रिक्वायर्ड है या रेगुलेशन के द्वारा रिक्वायर्ड है। अगर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो यहां नहीं आता, वो एज पर एसएस कहां चले जाता, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, आपने हेडिंग लिखा होगा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डैश करके लिखा है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वहीं ब्रैकेट्स में लिखिए It generally includes reporting as per 143 subsection 3, reporting as per 143 subsection 3 and 143 subsection 11 and 143 subsection 11. That is CARO, 143 subsection 11, that is CARO. Subsection 3 के ही major चीजें होती है, आपको एक additional 11 का भी reference मिलेगा क्योंकि हमको CARO as a separate annexure देना पड़ता है। अब CARO भी आपके syllabus में, घबराइए मत, इसी chapter के अंदर है, standards के बाद में हम उसको visit करने का try करेंगे। तो can I say, इस heading में दो references होते हैं, subsection 3 का reference आएगा and subsection 11 का reference आएगा। ये क्यों आता है, क्योंकि ये legal and regulatory requirement है कि मुझे over and above essays कुछ additional चीजों के बारे में अपना responsibility report में लिखना पड़ेगा। इसीलिए look at the name, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये अदर के अंदर जनरली एग्जाम्पल आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और बेसिक कंपनीज में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 11। इज दिस क्लियर टू यू? दोनों सबसेक्शन आपके सिलेबस में आगे आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। आखिरी में क्या क्या आएगा आपको मालूम है, फर्म का नेम, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, मेंबरशिप नंबर, प्लेस डेट, टाइम पास एग्जाम लिखने का जरूरत है क्या? कैन आई एक्सपेक्टेड दैट मच एटलीस्ट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, पक्का? अभी सुनो, आईसीएआई कैसे परेशान करेगा, सारे एलिमेंट्स आपसे नहीं पूछेगा, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न है, जो डेडिकेटेड 570 में पढ़ेंगे। अब कभी कभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि आपका ये जो है ना सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए जरा पढ़िए मेरे साथ एक बार सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, एक बार रीड कीजिए फटाफट से, और नोट नंबर 4 का रेफरेंस दिया हुआ है, पढ़िए जरा, देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। लगता है क्या पढ़ाया कभी नहीं, कभी एकदम सिंपल लग रहा है क्या? क्वेश्चन पूछो आपसे, मैं बेसिक क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट लेवल का आंसर दे सकते हो। लेट्स से एक ऑडिट फॉर्म है, किसी का नाम नहीं लेते हैं, इसकी बात ऑडिट फॉर्म है XYZ, थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, अज्यूम अ सिचुएशन, एक्स इज द एंगेजमेंट पार्टनर, एक्स इज द एंगेजमेंट पार्टनर, ऑल थ्री ऑफ देम आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे ऑल हैव COP, सो इट्स अ ऑडिट फर्म, एक्स इज द एंगेजमेंट पार्टनर,
can Y or Z sign on behalf of X on the audit report? Question is simple. Firm है XYZ, तीन partners हैं. Company का audit खत्म हुआ. Engagement partner X था. पूरा audit X ने किया है. Can Y or Z sign on behalf of X? अब ऐसा ही MCQ आता है, मतलब it's a very straightforward MCQ. Audit firm XYZ, तीनों partners हैं. तीनों chartered accountant हैं, तीनों के पास COP है. ऑडिट एक्स ने किया है, एक्स इज द एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टर्म्स पे एक्स ने साइन किया है, पूरा ऑडिट एक्स ने किया है, काम रिव्यू एक्स ने किया है, क्या वाई या जेड साइन कर सकता है एक्स के बिहाफ पे? यस और नो? कितने लोगों को लगता है हाँ कर सकता है सर, रेज योर हैंड्स. ओके, कितने लोगों को लगता है नहीं कर सकता सर? ओके, कर तो सकते हैं पर नहीं करना चाहिए. देखो गाइडेंस मत दो यार. सी अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन आईसीआई इज आस्किंग यू क्वेश्चन, दे मे टेल यू कि प्लीज गाइड, बट दे डोंट वांट गाइडेंस. अंडरस्टैंड, उन्हें आंसर चाहिए कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो छोड़ दो. अलाउड है या नहीं है इतना बताओ. अलाउड है क्या एज पर लॉ? एज पर लॉ वाई एज साइन कर सकता है क्या? एक्चुअली कर सकता है. अब सुनिए, फाइनल में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्या है. आप सोच रहे हैं मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, वो ऐसे के साथ में ही कंपनीज एक्ट का सेक्शन आ जाएगा, उसके साथ में ही प्रोफेशनल एथिक्स में फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट वन के कोई तो क्लॉज का रेफरेंस आ जाएगा, और आपको जब वो क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें तीनों चीजें मिलेगी एक साथ में. आपको पहले समझना पड़ेगा ऐसे चाहता क्या, और अगर क्वेश्चन क्लॉज पे हुआ तो आंसर लिखने का तरीका अलग होगा, बिकॉज वो क्वेश्चन बन जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर का. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लॉज भी बताएंगे अभी के लिए. पहले सेक्शन क्या बोलता है, एक सेक्शन है 145 ऑफ कंपनीज एक्ट दैट टॉक्स अबाउट इनडायरेक्टली हु कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. 145 बात करता है हु कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. 145 बोलता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट. बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल डाउट नहीं होता है. इन केस ऑफ फर्म वी डोंट अपॉइंट द पार्टनर एज अ ऑडिटर, वी अपॉइंट द फर्म एज एन ऑडिटर. इस वजह से फर्म के बिहाफ पे कोई भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है वो क्या कर सकता है, साइन कर सकता है. तो लॉ खुद क्लियरली बोलता है आपने फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है तो एनी ऑथराइज पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म कैन एक्चुअली साइन. इट डज नॉट मैटर उसने ही ऑडिट किया है कि नहीं किया है, अगर किसी और पार्टनर ने ऑडिट किया है तब भी दूसरा पार्टनर अगर वो फर्म का पार्ट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीओपी है, तो वो आसानी से साइन कर सकता है. लॉफुली कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सेम चीज को सपोर्ट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर भी एक क्लॉज बनाया है. आपको सेम क्लॉज पढ़ाता हूं, 145 पढ़ाता हूं, घबराना मत. ये क्लॉज हम जब प्रोफेशनल एथिक्स में जाएंगे ना वहां पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको बस दिखाना चाहता हूं कभी कभी एकदम एक सिंपल सा हेडिंग जो हम इग्नोर कर देंगे. सोचो, वी एंडेड अप स्पेंडिंग 3 hours ऑन डिस्कसिंग ऑल द एलिमेंट्स, दे आस्क द क्वेश्चन ऑन द सिग्नेचर, जो हम इग्नोर कर देंगे और उस क्वेश्चन वहीं पे आएगा. एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ डेज कि पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सडनली अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कि आप जो बहुत चीजें पढ़ के जा रहे हैं उसके अराउंड कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स के अंदर स्पेसिफिकली और अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं क्वेश्चंस, इसीलिए थोड़ा बहुत केयरफुल होने का जरूरत है. मैं सिंपल बात बोलूँ क्या, मेरा एक सिंपल स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है, जितना मुझे आईसीआई समझे हैं अभी तक, लाइक द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ द इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपने मटेरियल में अगर कहीं ना कहीं रेफरेंसेस दिए हैं कि उन्होंने सिग्नेचर के साथ में 145 भी लिखा है, उन्होंने एथिक्स का रेफरेंस दिया है, मतलब उधर क्वेश्चन पूछेगा आपसे. उन्होंने अगर एफर्ट डाला है वो एक्सप्लेन करने का, तो मैं बता रहा हूं कभी ना कभी वो क्वेश्चन के फॉर्म में 100% आएगा. आपके टाइम में आए या उसके अगले टाइम में मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन कभी ना कभी वहां फ्रेमिंग होगा. बिकॉज जनरली वो क्या करते हैं, सेम चीज को उठाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, और क्वेश्चन प्रेजेंट करके आपके सामने दे देते हैं. मेजॉरिटी चीजें आपके मॉड्यूल से होती है, आई रिपीट, मेजॉरिटी चीजें मॉड्यूल से होती है. द प्रॉब्लम इज मॉड्यूल 1000 पेज का है, तो हमें पता नहीं होता उसमें से हमको पढ़ना क्या है. डू यू गेट माय पॉइंट? इसीलिए हमको थोड़ा केयरफुल होने का जरूरत है. लेट मी शो यू. इसीलिए आप देखेंगे जैसे सिग्नेचर वाला पार्ट आएगा, सिग्नेचर के अंदर हमने एक रेफरेंस दिया होगा. देखिए, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, यू हैव गिवन अ रेफरेंस ऑफ रेफर नोट नंबर 4. आइए नोट नंबर 4 के अंदर जरा क्या बोलते हैं, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर.
अब ये सब याद करके फायदा नहीं, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछेगा डायरेक्टली। इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन बनाने का चांस बहुत कम है। अगर वो एथिक्स पे आया तो 4 मार्क का आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना आसान होगा। बट जब ये एमसीक्यू में आया तो स्ट्राइक ही नहीं होगा कि एथिक्स बोल रहा है, 145 बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, क्या पूछना चाहता है। पढ़िए मेरे साथ, देखो क्या बोलता है। द रिपोर्ट इज टू बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द रिपोर्ट। नॉर्मली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस साइंस द रिपोर्ट इन द नेम ही इज रजिस्टर्ड एज अ प्रैक्टिशनर। ऑब्वियसली अगर वो इंडिविजुअल है तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल नाम पे क्या करेगा, साइन करेगा। क्वेश्चन कहाँ आता है, फर्म के बारे में। देखिए, अंडर सेक्शन 145 ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विथ सेक्शन 141, ओनली द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और अगर फर्म हुआ, वेर अ फर्म इज अपॉइंटेड, ओनली द पार्टनर इन द फर्म हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने ये नहीं बोला वो पार्टनर जिसने ऑडिट किया, उन्होंने बोला अ पार्टनर इन द फर्म हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा क्यों लिखा मालूम है क्या? क्योंकि आपको मालूम है एलएलपी को भी एज ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। एलएलपी में ऑल पार्टनर्स डोंट नीड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एलएलपी के केस में वो पार्टनर साइन कर पाएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि एलएलपी भी आपके लिए फर्म ही हो गया यहाँ डेफिनेशन में। उस केस में एनी ऑथराइज्ड पर्सन, अब वो ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर इन केस ऑफ अ फर्म इट शुड बी साइंड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही मे साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और साइन और ऑथेंटिकेट एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कैन आई से बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर का ही साइन करना कंपलसरी नहीं है, आपके फर्म का कोई भी दूसरा पार्टनर, पर वो क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए विद सीओपी, तो वो क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। कैन आई से सिग्नेचर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद में सडनली 145 का रेफरेंस आ गया जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। अब देखो 145 के बाद नीचे आइए पॉइंट नंबर 3 के अंदर, मैंने आगे चैप्टर नंबर 19 का भी रेफरेंस दिया है, पढ़िए जरा एक बार मेरे साथ में। आई नो सेकेंड लेक्चर में जब एथिक्स कभी नहीं पढ़ा है थोड़ा बाउंसर जाएगा, लैंग्वेज से मत डरो, आई प्रॉमिस यू हम पूरे क्लॉसेस डिटेल में पढ़ेंगे, पर क्योंकि हम सिग्नेचर पढ़ रहे हैं सडनली मैं चाहता हूं आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ो मेरे साथ क्या बोलता है। इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट देयर इज अनदर एक्ट कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। वहां पे ये लिखने का तरीका है, आज आपको डेंजरस लगेगा, क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। जब आपको पढ़ाएंगे 3 दिन के बाद आपको भी याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ऐसे लिखते हैं वो। आगे देखो क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज अ पर्सन। अगर आप अलाउ करते हो एक पर्सन को टू साइन ऑन योर बिहाफ, इफ यू अलाउ अ पर्सन टू साइन ऑन योर बिहाफ, अगर वो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड आपका पार्टनर है तब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर, मतलब इफ आई अलाउ एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट माई पार्टनर, ये भी प्रॉब्लम है। पहले तो मैं अगर एक एडवोकेट को अलाउ करता हूं टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, गलत है। फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ करता हूं बट हु इज नॉट माय पार्टनर इज आल्सो अ प्रॉब्लम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कैन आई से यही सेम चीज इनडायरेक्टली 145 को सपोर्ट करता है। 145 यही तो बोलता है, फर्म को अपॉइंट किया है तो फर्म के अंदर जो पार्टनर है हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन। 145 भी तो यही बोलता है, फर्म के अंदर जो पार्टनर है एंड हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पार्टनर भी होना चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए। अरे बराबर है कि नहीं? आप डरो मत, ये लैंग्वेज अभी आपको पहली बार पढ़ने में डरावना लगेगा, आपको ऐसा याद भी नहीं करने का है। जब आप एथिक्स के क्लॉसेस पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस में, आपको आराम से समझ में आएगा। आइडियली मैंने इसको लेना ही नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जितना आप कोरिलेट करके सीख पाओगे, दिमाग अप्लाई कर पाओगे, जो लिखने वाले लोग हैं ना उन्होंने भी कंसिस्टेंसी इंश्योर की है। 145 बाद में आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बहुत पहले से, समझा गया मेरे बात? ये क्लॉज एज इट इज एग्जिस्ट करता है फॉर ईयर्स, 145 तो नए कंपनीज एक्ट में है। Are you understanding? देख, पहले तो एलएलपी को अलाउड भी नहीं था ऑडिट करना, बाद में उन्होंने एलएलपी को अलाउ किया, पहले तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को अलाउड था, मालूम है ना आपको ये चीज, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन प्रैक्टिस दूसरे लेट्स से फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ में पार्टनरशिप करना भी अलाउड नहीं था, इवन फॉर्मिंग एलएलपी वॉज नॉट अलाउड अर्लियर, बाद में उन्होंने एलएलपी को क्या किया, अलाउ किया। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में एलएलपी को अलाउ किया, वरना कंपनीज एक्ट में भी एलएलपी को ऑडिट करना अलाउड नहीं था। नो बॉडी कॉर्पोरेट वॉज अलाउड, नाउ इट इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी नॉट अलाउड। थोड़ा याद आ रहा है क्या? ये तुमने पढ़ा है और तुमने वो एमसीक्यू वाला एग्जाम भी पास किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया क्या अभी तक, वो तुम्हारा एसओपीएम वगैरह जो रहता है, नहीं साइन नहीं किया अभी तक पास, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको।
वाईसीए के वीडियोस देखने पड़ेंगे आपको, देखने चाहिए, सुनने चाहिए, इट्स ओके, काम की चीजें हैं, ये बढ़िया है, इट्स नॉट बैड, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, कुछ कुछ एमसीक्यूज जो यहां से आगे बनाए जाएंगे वो इनके एप्लीकेशन पे रहेंगे। देखो तुम्हारी किस्मत बढ़िया हुई, उसने क्लॉज नंबर पे एमसीक्यू पूछा, बहुत बढ़िया, लॉटरी है, क्योंकि तुमको गिने चुने क्लॉजेस है वो याद हो जाएंगे, तुक्के में सही हो जाएगा। बट अगर उसने एप्लीकेशन पूछा कि फर्म में ये तीन पार्टनर है, इसने एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट करके एंगेजमेंट लेटर साइन करके पूरा ऑडिट किया, उसके बाद इसने साइन कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है ना, याद करने से कुछ नहीं होगा, वो एप्लीकेशन ही आना चाहिए, एंड इफ यू नो द एप्लीकेशन देन इट विल वर्क इन योर फेवर। डू यू गेट माई पॉइंट? अब ये सब याद नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्नेचर के साथ में मुझे ये सब पढ़ना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल? आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, आईसीए वाला ठीक है, अब मेरा बात सुनो, फर्म में तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, मेरा क्वेश्चन क्या था, एक्स ने ऑडिट किया, ये वाई और जेड को साइन करने के लिए बोलते ही क्यों है, अलाउड है वो समझ गया मैं, बोलेंगे ही क्यों? डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? द फर्म हैज थ्री पार्टनर्स, एक्स ने ही पूरा ऑडिट किया है, तो वाई और जेड को साइन करने के लिए क्यों बोलेगा? नॉर्मली आपकी सीलिंग लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, सुनिए मेरा बात, एज अ एक्स अगर आपकी सीलिंग लिमिट खत्म हो गए होंगे तो आप वाई जेड को बोलेंगे, अगर आप मुझे पूछेंगे, नंबर वन, जो सबसे लॉजिकल रीजन होना चाहिए। उस केस में भी द वन हू साइंस विल हैव अ एमओयू विद द एक्स, मतलब सुनो, अगर मैं वाई हूं, मैं साइन कर रहा हूं एक्स के बिहाफ पे, ऑडिट किसने किया, एक्स ने किया, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने ऑडिट किया, वाई ने साइन कर दिया, ऐसा होने नहीं देगा, कमिटी लड़ाई करेगा बहुत, इस केस में तो छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि बड़ा एंटिटी, उनको डर है अगर ऐसा बाद में पता चला तो कमिटी के लिए भी रेपुटेशन लॉस बहुत बड़ा है, तो बड़े कंपनीज में तो वो लोग मानेंगे ही नहीं, दे विल फाइट, दे विल से अगर सीलिंग लिमिट था ही नहीं तो एक्सेप्ट ही क्यों किया अपॉइंटमेंट, दे विल गो टू दैट एक्सटेंट। बट अगर मान लो स्मॉलर कंपनी है, वाई ने साइन भी कर दिया, तो वाई रिस्क नहीं लेगा, बिकॉज रिमेंबर इम्प्रिजनमेंट वाई को आएगा, सी पेनल्टी वगैरह फर्म को आएगा वो ठीक है, इम्प्रिजनमेंट किसको आएगा, वाई साइनिंग पार्टनर को आता है इम्प्रिजनमेंट, तो वाई क्या करेगा, एक्स से एमओयू साइन करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कॉमन होता है विद इन फर्म, एमओयूज होते हैं कि भाई सीलिंग लिमिट के पर्पस के लिए मैं साइन कर रहा हूं, फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑडिट पूरा एक्स ने किया है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर लाइबिलिटी आई रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल, वो हमेशा किसका होगा, एक्स का होगा, ऐसा दोनों के बीच में एमओयू होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली होता है, बिकॉज बड़े एंटिटीज में ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है साइनिंग पर्सन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मैं इतना शेयर करना चाहूंगा, इसके आगे वाला पार्ट जो आपको पता है वो आप ध्यान रखें कि हम किसी और से साइन क्यों करवाते हैं। यू गेट माई पॉइंट? मेरे हिसाब से रियल लाइफ में इतना ही हो सकता है कि उसकी सीलिंग लिमिट खत्म हो गई है, ऑडिट उसने किया है पर साइन किसी और से करवा लिया है। डू यू गेट माई पॉइंट? ऑन रिकॉर्ड इतना ही बात होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर नाउ? सो ये हमारे 700 के अंदर मेजर एलिमेंट्स का पूरा डिस्कशन था। मेरे हिसाब से एलिमेंट्स में आपको अब यहां से आगे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शुरुआत करें, आगे डिस्कशन कंटिन्यू करें। चलिए नोटबुक में आइए। अंडर एसएस 700 सबसे पहले हमने लिखे थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन, दूसरा हमने डिस्कस किया कंटेंट और एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब एक लिखिए पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, राइट डाउन पॉइंट नंबर थ्री, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर बिफोर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर बिफोर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। ऑनेस्टली अ वेरी यूजलेस क्वेश्चन, बट आईसीआई हैज आस्क्ड दिस वंस इन फाइनल ऑलमोस्ट 4-5 years बैक, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू रिपीट दिस। In intermediate, this has been asked multiple times. This is actually not a question. ये क्या है 700 में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उन्होंने कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे थे। अब प्रॉब्लम क्या है, मस्त 5-6 पॉइंट मिल गए तो आईसीआई को बढ़िया 5 मार्क का क्वेश्चन बनाने के लिए मिल जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो अगर उनको डायरेक्ट थियरी वाला क्वेश्चन पूछना है ना, तो ऐसे पॉइंट्स उनको पूछने में बहुत मजा आता है। उन्हें लगता है तेरे को 3-4 याद रहेंगे, तू 3-4 लिखेगा, प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स लेके चले जाएगा, ना तू लड़ाई कर सकता है ना उनको लड़ाई करने की जरूरत है। इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ठीक है,
ये जनरल सी बात बोलता है कि भाई ओपिनियन तक आने से पहले आपने क्या क्या चीज़ों को इवैल्यूएट करना चाहिए, एक्चुअली पूरा ऑडिट ही करना चाहिए ना, तो मेरे को बोलोगे तो उसमें सारे एसेस कवर होते हैं, इतने मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बट वो बहुत जेनरिक सेंस में कुछ पॉइंट्स आपको लिख के देता है। आइए पेज नंबर 7.4 के ऊपर एक आपको डायग्राम मिलेगा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, एक बार मेरे साथ रीड कर लीजिए, काफ़ी सिंप्लीफाइड है, शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू। SS 700 का स्टार्टिंग है ये, पेज नंबर 7.4 पे रहेगा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। पढ़े सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको मालूम है नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन के बाद में समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ही आता है, वो उन्होंने डिस्क्लोज करना चाहिए। दूसरा चीज, उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया है एंड अप्लाई किया है, दे शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो एप्लीकेबल FRF बोलता है उसके हिसाब से होना चाहिए। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट उनको रीजन देने पड़ते हैं, वो रीजन नहीं देते हैं तो ऑडिटर को ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन देना पड़ सकता है। थर्ड चीज, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब प्रोविजंस वगैरह हो गए, प्रोविजंस फॉर वारंटी, पेंडिंग लिटिगेशंस हो गया, या प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये जो आपने एस्टिमेट्स बनाए हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। इसके लिए पूरा ऐसे आएगा, ऐसे 540, वहां पर आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, इसमें ना अनसर्टेनिटी का डिग्री ज्यादा है कम है उसके हिसाब से ऑडिट का रिस्क बदलता है, ऑडिटर कितना चेकिंग करेगा वो सब कुछ कहां पर आएगा, ऐसे 540 में आएगा। ये फाइनल के अंदर एक फ्रेश ऐसे है जो इंटर में कभी नहीं पढ़ाया जाता, इट्स अ गुड ऐसे, विल टॉक इन डिटेल। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा जो आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारा इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्क्लोजर्स है वो क्या होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट। इट्स लाइक अ बीकॉम लेवल कंटेंट ऑनेस्टली, मतलब कुछ भी यहाँ पे ग्रेट टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कहाँ चले जाएंगे, एसेज में चले जाएंगे। इसीलिए अब जेन्युइनली मुझे नहीं लगता है नए सिलेबस में, लुकिंग एट द न्यू मॉड्यूल्स एंड ऑल, कि आईसीआई ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करेगा। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मॉड्यूल में ये है भी नहीं, बट फिर भी मैंने क्यों रखा है, कभी कभी अगर उनका क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से एज इट इज, स्कैनर सेम होते हैं बहुत सारे, अगर गलती से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, और आईसीआई ने पता है क्या बोला है, आपके पास में इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए दैट वी कैन यूज। अब ये इंटरमीडिएट में एज इट इज है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, तो कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगता है शायद आ सकती है, इसलिए वो रेफरेंस के लिए मैंने रख दिया है। दो मिनट स्पेंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम रेफरेंस देके छोड़ देंगे नोटबुक के अंदर, क्विकली पढ़ के क्लोज कर दो एक बार। ठीक है, नोटबुक में जाइए, रेफरेंस दे दीजिए, रेफर पेज नंबर 7.4, इन चीजों पे टाइम पे ज्यादा नहीं करेंगे। अभी चलिए एक बार ऐसे को स्टार्टिंग से फटाफट से गो थ्रू करते हैं। मेरे हिसाब से जो प्राइमा फेशिया इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी चाहिए थी वो एक बार कंप्लीट हुई है, बट कुछ मिसलीनियस अगर रह गया है वो हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस, स्कोप ऑफ दिस एसे, ऑब्वियसली इसका स्कोप या ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही आप बोलेंगे, कि हमें ऑब्वियसली क्या करना है, अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। बट आपको मालूम है ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हमने प्रोसीजर्स लगा के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए, हमारे पास हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन होना ही चाहिए। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, और ये ओपिनियन हमारा कहां पर आएगा, प्रॉपर एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू दिया जाएगा, जिस रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने आपको सिखाया है। इज दैट क्लियर टू यू। डेफिनेशंस में कैन यू सी टू डेफिनेशंस, पहला वाला क्या दिख रहा है आपको, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, कल पढ़ाया था आपको मैंने, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कैन बी फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस, दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि आपको कल,
वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन, अदर वन इज कॉल्ड एज कंप्लायंस. दोनों को डिस्कस भी किया था, दोनों के रिपोर्टिंग के लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आएगा आपको वो भी कल समझाया था, हमने नोटबुक में ये नोट के फॉर्म में लिखा भी है. इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं. कैन यू सी द नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्वियसली हमको ओपिनियन तक आने से पहले क्या ऑप्टेन करना चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस. देखो, ऑडिटर शैल कंक्लूड दैट वेदर ही हैज ऑप्टेन्ड रीजनेबल अश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. द मिसस्टेटमेंट्स कैन बी ईदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. कैन आई से ये कंक्लूजन तक आना है, बट यहां तक आने के लिए हमने क्या क्या चेक करना है, वही चीज आपको आईसीआई स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के फॉर्म में पूछ सकता है कि भाई ओपिनियन तक आने से पहले क्या क्या इवैल्यूएट करना जरूरी है. ये जनरल चीजें हैं, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन आपको एक्चुअली मालूम है. ऑल एसेज नीड्स टू बी कंप्लाइड, द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, दैट इज एक्चुअल इवैल्यूएशन इफ यू आस्क मी. इज दिस क्लियर टू यू? अब आइए पॉइंट नंबर 4 के ऊपर. ये जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. याद कीजिए, कल आपको पढ़ाया था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. क्या पढ़ाया था? एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. दो मिनट स्पेंड कीजिए, नोटबुक में जाइए. आपने जो नोट लिखा था फेयर प्रेजेंटेशन में, ए बी सी में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, फिर नीचे रिपोर्टिंग का लैंग्वेज लिखा था, एक बार उसको रीड कीजिए, फिर पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे. गो टू योर नोटबुक्स, रीड द मीनिंग ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, देन वील रीड दिस. पढ़ा आपने? अब आइए पॉइंट नंबर 4 को पढ़िएगा. ये एक एडिशनल गाइडेंस दे रहा है आपको. अगर मान लो आप ऑडिट कर रहे हैं एंड कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन. सुनिए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क चेक करना आसान है. क्यों? उन्होंने बोला ये कंप्लाई करना चाहिए, आपके सामने वो पता है कि भाई इसका कंप्लायंस होना चाहिए. अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस है, मॉडिफिकेशन दे दो, बात खत्म. क्योंकि डेविएशन तो अलाउड ही नहीं है, कोई डिपार्चर अलाउड नहीं है, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको एडिशनल एफर्ट कहां डालना पड़ेगा, जहां पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा, पहले वहां पे क्या देखोगे, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है. और मान लो कहीं उन्होंने डिपार्ट किया है, तो क्यों डिपार्ट किया है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको लेना पड़ेगा. एडिशनल डिस्क्लोजर मान लो कहीं देना चाहिए, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, यह भी आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा. तो फेयर प्रेजेंटेशन में आपके लिए क्या बन जाता, थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट बन जाता है कि भाई ओवरऑल प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा एडिशनल टेस्टिंग करना पड़ेगा, एडिशनल क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा. वही बोलने का ट्राई कर रहा है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम वर्क, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या होना चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन. उसके लिए वो क्या देखेगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको मार्क करना, क्या रिलेटेड नोट्स दिए हुए हैं कि कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हो सकते हैं जो हमें लगता है अलग हुए होंगे, जिनका शायद अकाउंटिंग करने का तरीका आपका अलग हुआ होगा, डिस्क्लोजर का तरीका अलग हुआ होगा. फॉर एग्जांपल पेंडिंग लिटिगेशंस एंड ऑल, मे बी सर्टेन यू कैन से ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज जो आपको लगते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के हैं, शायद उनके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देना जरूरी है. क्या वो डिस्क्लोजर्स आपने दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तब जाके मेरे यूजर्स के लिए वो क्या अचीव कर पाएगा, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर पाएगा. क्योंकि आपको शायद नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बियॉन्ड जाने की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल डिस्क्लोजर देने की जरूरत पड़ेगी. तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एज अ ऑडिटर वो ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे. आई हैव टू आइडेंटिफाई दोज ट्रांजैक्शंस वेयर आई बिलीव कंपनी शुड हैव गिवन एडिशनल डिस्क्लोजर. इफ दे हैव नॉट, आई विल आस्क देम व्हाई एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर नॉट गिवन. क्योंकि इसकी वजह से मेरे यूजर्स का अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. यही चीज मुझे दिमाग में रखनी है कि मुझे ये सब कंसिडर करना पड़ेगा जब मैं क्या चेक कर रहा हूं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं. ये मुझे कंसर्न कब नहीं आएगा, कंप्लायंस में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो एडिशनल डिस्क्लोजर का जरूरत ही नहीं है. बेसिकली एक ही चीज, हो सकता है रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स ना सफिशिएंट ना हो.
आपको लगता है एडिशनल डिस्क्लोजर होने चाहिए, तो सोचो कहाँ कहाँ पे ऐसे डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी, फिर मैनेजमेंट से आप आर्ग्यूमेंट करके फिगर आउट करो कि क्यों उन्होंने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स नहीं दिए हैं, तब जाके आपको पता चलेगा फेयर प्रेजेंटेशन में कुछ मिसिंग तो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, दुनिया भर में हर किसी को लगता है कि फेयर प्रेजेंटेशन बोलने के लिए, बट हमारा जो FRF है ना वो सफिशियंट है। मेजोरिटी पीपल, इफ यू टॉक टू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, नो दे विल टेल यू FRF बनाए क्यों है इतना, उनका आर्ग्यूमेंट रहेगा ये। अब देखो उनको आप कुछ बोल नहीं सकते, दे रन द बिजनेस, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। वो बोलेगा मैं FRF फॉलो कर रहा हूँ ना, ये सफिशियंट नहीं है क्या? एक्चुअली सफिशियंट नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो ट्रू एंड फेयर। आई विल नॉट यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर अदरवाइज, मैं क्या बोलूंगा, दे आर प्रिपेयर्ड। अंडरस्टैंड, आपका रिस्क बढ़ जाता है फेयर बोलते ही, क्योंकि अगर आपने बोल दिया फेयर है और डिस्क्लोजर्स नहीं दिए हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? ऑडिटर की आ जाएगी। द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क विल बी डेफिनेटली ऑन द ऑडिटर। आप सोचिए आज फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड विद बायजूस, व्हाई द ऑडिटर हैड टू रिजाइन, इन केस ऑफ बायजूस ऑडिटर हैड टू रिजाइन, यू नो दैट राइट, फ्यू मंथ्स बैक। व्हाई? बिकॉज कभी कभी आपको कंसर्न ये होता है कि वो जितना भी डिस्क्लोजर दे दे वो फेयर नहीं हो सकता है, वो सफिशियंट नहीं हो सकता है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क टू साइन ऑन दैट रिपोर्ट। क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेफरेंसेस बोलता हूँ, बायजूस के अंदर बिकॉज द ओरिजिनल पाथ वॉज दे वॉन्टेड टू गो फॉर एन IPO, एंड आइडियली देयर टारगेट प्लान ऑफ IPO वॉज 24 एंडिंग 25। तो अगर मेरा वो पूरा प्लान खत्म हो चुका है तो मेरे जो इन्वेस्टर्स है बड़े फंड वाले सारे के सारे, दे आर गोइंग टू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आपके पुराने ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग क्यों थी, वाई देर आर सो मेनी लैप्सेस विच वर नॉट देयर आइडियली, एंड इट्स अ बिग एंटिटी फॉलिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं है कि ये कोई 100-200 मिलियन वाला कंपनी था, इट वॉज अ $1 billion बिजनेस, उसमें भी 15-20 billion का वैल्यूएशन था अप्रॉक्सिमेटली। उस वैल्यूएशन का बिजनेस गिरता है मतलब इन्वेस्टर के बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इट्स अ ह्यूज लॉस टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स मोर देन द प्रमोटर। प्रमोटर का स्टेक तो बहुत कम हो चुका था बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू जा चुका था। तो ऑडिटर के लिए रिस्क बढ़ जाता है अगर कुछ भी अनसर्टेन है, मेरे को फेयर वर्ड लिखने के लिए बोल रहे हैं बट अगर सारे डिस्क्लोजर्स नहीं हुए तो देर गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन ऑन मी। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल होने का जरूरत बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब बहुत रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं या बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पे ऑडिटर का कंसर्न होता है कि फेयर वर्ड एक्चुअली मैं यूज करने से पहले आई शुड बी लिटिल बिट मोर कॉशियस। यही आपको गाइडेंस देने का ट्राई कर रहा है पॉइंट नंबर 4 में, कि जितने भी अंडरलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, इवेंट्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर नोट्स में आने चाहिए, ये आपने देखने का है एज अ ऑडिटर। इस पॉइंट नंबर 4 क्लियर टू यू? अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं, नहीं चाहिए। कैन यू सी फॉर्म ऑफ ओपिनियन? मालूम है व्हाट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड व्हाट इज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड हम अब डिस्कस शुरू करेंगे थोड़ी देर में अंडर SA 705। तो ये मेरे हिसाब से आप बाद में भी रीड कर सकते हैं, कुछ ग्रेट नहीं है। 705 जब पढ़ाएंगे तो आपका मॉडिफाइड वाला डिस्कशन खत्म हो जाएगा। आप अभी के लिए सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए अनमॉडिफाइड वाला, रीड द डेफिनेशन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सिंपल चीज है, ऑडिटर शाल एक्सप्रेस अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ऐसा लग रहा है क्या कंप्लायंस के सबसे लिखा है? इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल FRF। अगर ऑब्वियसली फेयर प्रेजेंटेशन होता तो बोलता द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। इज द लैंग्वेज क्लियर टू यू? बेसिक एलिमेंट्स का मेजर डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब आइए, कुछ नोट्स थे उसमें नोट नंबर 1 जो था, आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि कुछ नोट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। नोट नंबर 1 में डिस्कस किया था दैट इज योर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल रिविजिट दिस, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आज अभी के लिए मैं एक ही नोट डिस्कस करना चाहूंगा, दैट विल बी नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। चलो पढ़ लेते दोनों, 2 तो टाइम पास है एकदम। नोट नंबर 2 क्या बोलते हैं, अभी ये बीकॉम लेवल है कि भाई आपका जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग है ना वो किधर आना चाहिए? द लोकेशन ऑफ योर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 99% रिपोर्ट्स में आपको कहाँ मिलेगा? विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो आपने सीक्वेंस पढ़ा है उस सीक्वेंस के अंदर मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली उन्होंने ऑप्शन दिया है, क्योंकि जब उन्होंने स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाया ना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक पेज का होता है,
तो उन्होंने बोला कुछ लोग बोलेंगे ऑडिट रिपोर्ट के बीच में इतना बड़ा एक पेज का पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिटेल में है, यू कैन गिव दिस एज अ एनेक्सर, यू कैन गिव दिस एज अ एनेक्सर, बट रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई याद है वो बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखते थे अपन कि हमारा सेपरेट सेक्शन है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां बोलेंगे सेपरेट एनेक्सर है, वहां बोलेंगे सेपरेट एनेक्सर है. तो देखो विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपेंडिक्स इज लाइक अ एनेक्सर जो किसके साथ में आएगा, रिपोर्ट के साथ में आएगा, जहां पे ऑडिटर का रिपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा रेफरेंस का कि अपेंडिक्स का लोकेशन क्या है. ये कहां पर देंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन में. बेसिस फॉर ओपिनियन में अपन एक पॉइंट लिखा था कल, रेफर टू द सेक्शन वेयर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन, वो सेक्शन की जगह क्या देना पड़ेगा, अपेंडिक्स का रेफरेंस देना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है. फर्स्ट वन इज एक्चुअली फॉलोड. थर्ड वन, ये सीएजी वगैरह अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सीएजी का अपना खुद का डेडिकेटेड वेबसाइट है, वहां पे उनके सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो कभी कभी सीएजी बोल सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो रिपोर्ट में ना लिखें, रिपोर्ट में रेफरेंस दे दें कि इस वेबसाइट में इस लोकेशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जनरल होती है जो सारे ऑडिटर के लिए कंसिस्टेंट रहेगी. तो देखिए बाई अ स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू अ लोकेशन दैट डिस्क्रिप्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ अ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जहां पे लॉ या रेगुलेशन हमको अलाउ करता है, वहां पर हमने क्या दे दिया होगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में लिख दिया होगा. मतलब मैं उस वेबसाइट का लोकेशन का सीएजी के रिपोर्ट के अंदर, सीएजी की वेबसाइट पे जाएंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको एक जनरल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएगी, उसका रेफरेंस दे सकते हैं. नॉर्मली इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाती है. उन्होंने नए स्टैंडर्ड में ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कुछ भी आप चूज कर सकते हो. प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन है तो एमसीक्यू है. स्टैंडर्ड सबको पता है, नंबर वन, टू एंड थ्री नॉट एवरी वन हु विल रीड, जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको नहीं पता रहेगा, तो बोलेगा वेबसाइट पे देने का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, होता है, बट आपको रेफरेंस कहां देना पड़ेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि इस लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, डिटेल्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. सेपरेट एनेक्सर भी आ सकता है, वेबसाइट का लोकेशन भी आ सकता है. अभी गुड टाइम पास नोट नंबर थ्री है, नोट नंबर टू सॉरी थ्री देखिए क्या बोलते हैं, अदर रिपोर्टिंग. जस्ट आपको पढ़ाया था हमने, देखो हेडिंग क्या लिखा था, अदर रिपोर्टिंग, उसमें डैश करके क्या लिखा था, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. मतलब क्या है, सिंपल, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कहां पर आएगी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में. उसके अलावा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहां पर आती है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में. सिर्फ पॉइंट नंबर वन पढ़ लीजिए, सेम बात बोल रहा है जो आपको एक्सप्लेन किया था. इफ ऑडिटर एड्रेसेस अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज दिस इज इन एडिशन टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द एसेज. एसेज वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कौन से हेडिंग में आता है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. उसके अलावा कोई एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो नॉर्मली दीज अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक सेपरेट सेक्शन में देना चाहिए जिसका हेडिंग क्या होता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 11. देखो, और अदरवाइज जो भी आपको अप्रोप्रिएट कंटेंट के हिसाब से अलग हेडिंग बनाना है वो भी आप बना सकते हो, अनलेस दीज अदर यू नो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड्रेसेस द सेम टॉपिक जो आपने ऑलरेडी एसेस के हिसाब से लिखा है, तो आपको वापस से लिखने का जरूरत नहीं है. बट एक्चुअली में लॉ हमेशा कुछ अलग लिखने के लिए बोलेगा अदर देन एसेस. अगर सेम चीज होता तो लॉ में सेक्शन बनाने का जरूरत ही नहीं होता. बात समझ में आया क्या, इसीलिए वो क्या बोलता है, क्योंकि लॉ में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए आप उसको सेपरेट हेडिंग बना के लिखना. क्या हेडिंग बन जाएगा, अदर रिपोर्टिंग. उसका एग्जांपल क्या है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. समझा क्या, अब ये सिर्फ जनरल रीडिंग पर्पस के लिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस. हाँ, मुझे पता होना चाहिए वो एग्जाम में पूछे 143 सबसेक्शन 3 रिपोर्ट में आता है क्या. हाँ, कौन से हेडिंग में आता है, इस हेडिंग में आता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ये मेरे को पता होना चाहिए, दैट इज वॉट यू हैव ऑलरेडी रिटन इन योर नोटबुक्स. आर यू कंफर्टेबल, सिग्नेचर वाला नोट हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, बराबर है. नाउ देयर आर टू थ्री मोर नोट्स, नोट नंबर 5 एंड नोट नंबर 6-7. है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, एक आध नोट और पढ़ लेते हैं, बट अब उसके बाद में एक नए एसे पे मैं जाना चाहता हूँ. एक नोट और आपको बताए थे, नोट नंबर 5, कभी शायद आपने सुना ही नहीं होगा. देखो, हमारा ऑडिट रिपोर्ट होता है उसका फॉर्मेट कहाँ से आया, 700 से आया. बट क्या ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल सकता है अगर रेगुलेटर चाहे तो, यस. क्या ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल सकता है अगर रेस्पेक्टिव लॉ आपको बोलता है नया फॉर्मेट फॉलो करना है, हाँ. सी, कंपनीज एक्ट बोलता है कंप्लाई विद एसेस,
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट कंपनीज एक्ट भी जब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो बोलता है ना रिपोर्ट में ही एक्स्ट्रा आना चाहिए. तो कैन आई से माई फॉर्मेट कैन ऑल्सो चेंज डिपेंडिंग अपॉन द लॉ और रेगुलेशन? बराबर है कि नहीं है? तो उन्होंने छोटी सी बात बोली है, तुम जो रेस्पेक्टिव लॉ बोले, रेगुलेटर बोले, उनका फॉर्मेट फॉलो करना. फॉर्मेट फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रिमेंबर एसेस कैन नेवर ओवरराइड द लॉ. स्टैंडर्ड्स कैन नेवर ओवरराइड द लॉ, क्योंकि स्टैंडर्ड जनरल बनाए जाते हैं, लॉज आर मोर स्पेसिफिक. तो अगर लॉ बोलता है कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है तो वही फॉलो करना पड़ेगा. बस उन्होंने गाइडेंस दिया है, अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में इतनी चीजें नहीं आती है, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में इतनी चीजें नहीं आती है तो ध्यान रखना. अपने ऑडिट रिपोर्ट में यह मत बोलना हमने ऑडिट किया एज पर एसेस. अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में उनका फॉर्मेट फॉलो करो ये चीजें नहीं आती है तो ये मत बोलना दैट यू हैव डन द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस. क्योंकि अगर एसेस के हिसाब से ऑडिट करते तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपका ये कंटेंट आना ही चाहिए. क्योंकि अगर सी वो बोल रहे हैं वी रेस्पेक्ट द लॉ रिस्ट्रिक्शन, आपका जो भी रेगुलेटर बोलेगा वैसे काम कर लो, हम आपको मना नहीं कर सकते. बट तब ये मत बोलना कि हमने एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट किया है, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट दिया है. क्योंकि एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता तो बेयर मिनिमम आपके रिपोर्ट में ये सब आना चाहिए. एक बार जरा पढ़ के देखो क्या वो सेम चीज हम जस्ट पढ़ के आए, सारे एलिमेंट्स लिख के दिए उसने यार. ठीक है क्या? तो आपको इसमें पूरा एक ही लाइन मार्क करने का, कौन सा? फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करना बस. इफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू यूज अ स्पेसिफिक लेआउट, नोट नंबर 5, अगर लॉ या रेगुलेशन बोलता है उनके हिसाब से कोई तो लेआउट या फॉर्मेट यूज करो, या वर्डिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उनके हिसाब से यूज करो, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल रेफर टू एसेज ओनली इफ द रिपोर्ट इंक्लूड्स एट अ मिनिमम ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब इतना अगर आता है तो ही एसेज बोलना कि हमने ऑडिट किया है एज पर एसेज. वरना याद है कि वो बेसिस फॉर ओपिनियन, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डिंग टू एसेज, वो नहीं आ सकता है. इसीलिए पता है क्या होता है, एटलीस्ट इन इंडिया आई कैन बी 100% श्योर, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग से देता ही नहीं है. वो क्या बोलते हैं, 700 का फॉर्मेट ले, एडिशनल क्या देना हम बताएंगे. दे डोंट टेल यू द एंटायर फॉर्मेट, दे गिव यू द फॉर्मेट का रेफरेंस है 700 का फॉर्मेट, यही फॉर्मेट यूज करो, बट इसमें एडिशनल क्या डालना है वो बताएगा. तो आप अगर SBI का भी ऑडिट रिपोर्ट देखोगे सेम फॉर्मेट मिलेगा आपको. अब कोई भी एंटिटी का ऑडिट रिपोर्ट निकालो फॉर्मेट सिमिलर मिलेगा, बस क्या मिलेगा, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट मिलेगा. लॉ सिर्फ एडिशनल चीजें डिस्क्लोज करने के लिए बोल देगा, ओपिनियन में थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन कर देना. जैसे SBI में हजारों ब्रांचेस हैं, कितने ब्रांचेस अनऑडिटेड थे, RBI ने क्या ब्रांचेस को कंपल्सरी चेक करने के लिए बोला था, वो चीज एडिशनली लिख दो. हमने ही बोलते ओपिनियन मत लिखो, ओपिनियन तुम वैसे ही लिखो जैसा 700 में लिखते हो. मतलब इसीलिए इंडिया में जो लॉज है वो आपको बोलते हैं यूज द लेआउट एज पर 700 ओनली, बट एडिशनल चीजें क्या देनी है वो हम आपको स्पेसिफाई कर देंगे. अगर ऐसा नहीं होता, वो अपना फॉर्मेट देते तो हमारे रिपोर्ट में क्या नहीं आता कि हमने ऑडिट किया है एज पर एसेस, वो नहीं आता. इज दिस क्लियर टू यू? अब ये नोट्स ना ऐसे लिखे हुए बहुत सारे हैं पर उनका जो रेलेवेंस है बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो. ये तो सेम चीज रिपीटेड है पूरी की पूरी, द एंटायर ऑल एलिमेंट्स आर रिटन हियर. ओके, कुछ और नोट्स है ऐसे टाइम पास वाले जो थोड़े नए स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद में रिविजिट करेंगे. सिर्फ ये पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली अलग जोन में चले जाएंगे. बुक में जाइए, नेक्स्ट हेडिंग, लेट्स गो टू अ न्यू एसे. देखो फाइनल का एक प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा सुनना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. गो टू 705, द नेम इज मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन. एस ए 705, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू मी 705 इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करने के पीछे एक और लॉजिक है. एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, बेयर मिनिमम देर आर गोइंग टू बी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. एथिक्स के अलावा ये वो एकमात्र चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं.
अदरवाइज मोस्टली मान के चलिए हर चैप्टर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आने वाला है अदर देन एथिक्स, बिकॉज एथिक्स का एक चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसको हम हमेशा एक्सेप्शनल मानेंगे. अदर देन दैट दिस इज द ओनली चैप्टर वेर दे कैन डेफिनेटली आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस. एंड वो एमसीक्यू में कैसा ही सिनेरियो बनाए, रिपोर्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन आना चांस सबसे ज्यादा रहता है. इसीलिए थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चैप्टर में टाइम ज्यादा डिवोट करना चाहिए और जितना डिटेल में जा सके उतना बढ़िया है. बाकी चैप्टर्स में इतने डिटेल में स्टैंडर्ड्स नहीं है कुछ कुछ जगह पे, दे विल गेट यू नो कंप्लीटेड वेरी वेरी सून कंपेरेटिवली. अभी के लिए 705, व्हाट इज द नेम मॉडिफिकेशन, पहला पॉइंट तो ये आता है भाई कितने टाइप के मॉडिफिकेशन है एंड दूसरा मॉडिफिकेशन कब आता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि भाई व्हेन डू वी एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन. 705 बोलता है मॉडिफिकेशन दो सर्कमस्टेंसेज में आ सकता है. पहला, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. आई रिपीट, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस, मतलब देर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. कल मैंने आपको मिसस्टेटमेंट क्या है पढ़ाया था, वो कब मटेरियल होता है उसका डेफिनेशन भी लिखवाया था. याद है मिसस्टेटमेंट जो एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है और जो एक्चुअली में किया है, दोनों में क्या है डिफरेंस है. कैन वी कॉल दैट एज अ मिसस्टेटमेंट? यस. मटेरियल कब होगा? ये सर ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है कि मेरे जजमेंट में ये चीज अगर मेरे यूजर्स को इम्पैक्ट कर सकती है तो मेरे लिए क्या कहलाएगी, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी. अब सर मैंने मॉडिफिकेशन देना चाहिए, एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन देना चाहिए, सब आपको बताएंगे. पहले मॉडिफिकेशन आने के दो सर्कमस्टेंसेस है. नंबर वन, ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, बोल दो या बोल दो दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. पढ़िए मेरे साथ में, सर ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए, सर्कमस्टेंसेस बोल दीजिए. एज पर एसए 705, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू क्लियरली एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन नॉर्मली अंडर टू सर्कमस्टेंसेस. व्हाट इज द फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस? द ऑडिटर कंक्लूड्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर Not free, मतलब आपको कोई कंफर्म गलती मिल गई है और आपको पता है ये गलती क्या है, मटीरियल है. गलती क्या होती है, मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन पता है, मटीरियल है कि नहीं. अब इसके लिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है एक ऐसे 320 में जो आपको पढ़ाएंगे. अभी के लिए ऑडिटर के जजमेंट में ये इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि मेरे यूजर के डिसीजन को क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा. क्या आपको नंबर वन एकदम लॉजिकल लगता है क्या? नोटबुक में जाइए अंडर 705 पॉइंट नंबर वन, सर्कमस्टेंसेस. नंबर वन, सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन. सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड. Circumstances when a modification to the auditor's opinion is required. लिखिए पॉइंट नंबर एक खुद से. The auditor concludes the auditor concludes based on audit evidences obtained that financial statements as a whole are not free from material misstatements. टाइम पास लिखा गया. पॉइंट नंबर टू पढ़िए फिर लिखेंगे. द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. पहले दोनों में डिफरेंस समझो. पहले वाले केस में ऑडिट एविडेंस मिला है, उसके बेसिस पे कंक्लूड कर रहा हूं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री, मतलब I have detected and concluded कि पहले केस में material misstatements हैं.
दूसरे केस में वो बोलता है कि मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला कि मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस, मतलब पहले में तुझे गलतियां मिली है, दूसरे में तुझे लगता है गलतियां हो सकती है और वो भी इतने मटेरियल हो सकती है कि इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक, मतलब पहले में तुम्हें गलतियों का इफेक्ट विजिबल है, दूसरे में लगता है कि देर कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट, दो वर्ड याद रखना, पहले में द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज विजिबल, इन द सेकेंड वन देर कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट। देखो क्या बोलता है, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री। मैं कंक्लूड तो करना चाहता हूं बट मुझे क्या नहीं मिला है, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट, तो मतलब सेकेंड में तुमको लगता है देर कैन बी पॉसिबल मटीरियल मिसस्टेटमेंट, पहले में यू हैव डिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट, राइट डाउन नंबर टू, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences to conclude that the financial statements as a whole are, to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatements, to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatements, इसके ब्रैकेट्स में लिखना पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये पॉइंट नंबर टू जो लिखा है इसके ब्रैकेट्स में लिखना पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं आपको, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक बार आप चाहिए तो दोनों पॉइंट को वापस से पढ़ लीजिएगा फिर हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं 705 का, ये इंट्रोडक्शन था। Write down point number two, types of modifications, types of modifications, कौन कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन आ सकता है, क्वालिफाइड आ सकता है, एडवर्स आ सकता है, डिस्क्लेमर आ सकता है, बुलेट पॉइंट 1, 2, 3 लिख दीजिए, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। Qualified, adverse and disclaimer. अभी obviously what is the difference between these three and obviously most important one, कौन सा वाला modification कब आना चाहिए, थोड़ा बहुत intermediate का revision करवाते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा ही मेरे सबसे एक basic, चलो तीनों का language at least क्या है, prima facie difference पता होना चाहिए, यहां पर ज्यादा focus मैं illustration पे करना चाहूंगा, इसलिए notice करोगे 705 के बाद में मैंने मोर देन ऑडिट रिपोर्ट्स आईसीआई के इलस्ट्रेशंस रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय ऑडिट रिपोर्ट पे वेस्ट करने के बजाय वो हमने 700 में इन्वेस्ट कर लिया है, यहाँ पे ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे होना चाहिए, लाइक हाउ आईसीआई कैन पोटेंशियली आस्क यू यू नो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम 705, आई हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस विच आई बिलीव यहाँ पे 705 में आपका क्लैरिटी और बेहतर लेके आएंगे। सो बिफोर आई गो देयर मैं आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल मेरे हिसाब से जो बेसिक एग्जाम्पल्स थे वो याद दिला देता हूँ, दिखा देता हूँ, शायद वो आपको रिवाइव करने में हेल्प करेंगे। लेट मी गो टू योर इंटरमीडिएट ऑडिट मॉड्यूल, सिर्फ रेफरेंसेस देखिए लैंग्वेज का, ट्रस्ट मी आपको क्या लिखना है वो इलस्ट्रेशन से बेहतर समझेगा, ये सिर्फ तीन चीजों में लैंग्वेज क्या होती है उसकी क्लैरिटी के लिए,
पहला चीज, कैन यू सी अ वर्ड क्वालिफाइड ओपिनियन? ऑब्वियसली आर टाइटल एड्रेसी स्टेटमेंट रिमेन सेम, ऑब्वियसली द ओपिनियन हेडिंग विल बिकम क्वालिफाइड ओपिनियन. अब देखो क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, वी नो इट रियली वेल. तो हमको यहां पे अगर क्वालिफाइड देना मतलब कोई तो गलती मिली होगी, यहां में लगता है गलतियां हो सकती है, तो आपको रीजनिंग तो देना पड़ेगा कि आप क्वालिफाइड क्यों दे रहे हैं. पर एक बात समझिए, हम क्लीन ओपिनियन में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. हम फेयर प्रेजेंटेशन ही डिस्कस करेंगे, अब क्या डिस्कस करेंगे, फेयर प्रेजेंटेशन. तो हम क्लीन में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्वालिफाइड में भी बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बस यहां पे एक्सेप्ट वर्ड आता है. क्या वर्ड आता है, एक्सेप्ट. आपको एक्सेप्शन देना पड़ेगा कि भाई कुछ गलतियां छोड़ दूं तो उसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है, ट्रू एंड फेयर है. तो यहां पे लैंग्वेज थोड़ी बदलती है, पढ़िएगा मेरे साथ. देखो क्या बोलता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कैन यू सी अ वर्ड, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर, जो हमने कहां डिस्क्राइब किया होगा, ऑब्वियसली बेसिस. रीजनिंग कहां पर आएगा, बेसिस में आएगा. उस मैटर को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. कैन आई से क्लीन और क्वालिफाइड में छोटा सा डिफरेंस है, क्लीन में सब कुछ ट्रू एंड फेयर है आपके हिसाब से, क्वालिफाइड में सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट सर्टेन मैटर्स. अब ना यहां पर दो चीज आ सकता है, या तो मैं बोल दूंगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, क्या बोल दूंगा, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, या लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगी. कैसी बदल जाएगी, एक और एग्जांपल देखिएगा जरा, क्वालिफाइड देखिएगा, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि पहले में गलती मिली होगी, दूसरे में गलती लगता है हो सकती है, मतलब पहले में गलतियां मिल गई, दूसरे में हमें सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए वर्ड क्या है, पॉसिबल. इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट्स में पॉसिबल इफेक्ट लिखा दिया, आपने लिखा ना ऑलरेडी पॉसिबल इफेक्ट अभी, तो आपको याद रहे कि भाई पहले में आपको सर्कमस्टेंसेस नंबर ए में गलती मिल गई, सर्कमस्टेंसेस बी में आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिला है, इसलिए आपने ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिस्टेक. कैन आई से क्वालिफाइड का लैंग्वेज याद आ गया आपको, क्लीन का लैंग्वेज आपको पता था, क्वालिफाइड में क्या आएगा, एक्सेप्ट एक वर्ड आने वाला है. इज दैट क्लियर टू यू? एडवर्स में जाते हैं, एडवर्स के लैंग्वेज में क्या आता है, सुनना. क्लीन में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर. एडवर्स में एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब यहां पर मुझे इतनी गलतियां मिली है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोल रहा हूं, एक दो गलती नहीं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं दे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. देखिए आपका एडवर्स में लैंग्वेज कैसा दिखेगा, एडवर्स देखिएगा, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्कस इन द बेसिस पैराग्राफ, द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्या वर्ड है, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड. आगे इलस्ट्रेशन है सबके, घबराइए मत, सबका ड्राफ्टिंग है आपके इलस्ट्रेशन के अंदर, सिर्फ पहले क्लैरिटी, ताकि जब हम डिस्कशन डिटेल में करने जाएं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. क्वालिफाइड में एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, एडवर्स में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंक्लूजन है दैट दे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक वर्ड आएगा परवेसिव. क्या वर्ड आएगा, अभी आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, उसकी वजह से ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी. इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा बहुत याद आ रहा है इंटरमीडिएट में पढ़ा था, आर यू एबल टू रिलेट टू दिस? The last one comes the disclaimer. अब यहां पर थोड़ा extreme situation है, क्योंकि आपको audit evidence मिला ही नहीं है. यहां पर सबसे पहले जो change आता है ना, वो सबसे important है. याद है, normally बोलते हैं we have audited. यहां पर language आएगा we were engaged to audit. इसका मतलब है technical terms में हम ये accept ही नहीं करते कि हमारा audit वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था. मतलब यहां पर हमें सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिली, इसलिए लैंग्वेज पहले, मैं आपको बोला भी था कल, ओपिनियन का लैंग्वेज तो बाद में बदलेगा, बट पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज ही बदल जाएगा. वहां पर ही क्या आएगा, वी हैव ऑडिटेड के बजाय वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट आएगा. मतलब हम यहां पे उस लैंग्वेज से भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ऑडिट वैसा नहीं हुआ है जैसा हमने ओरिजिनली अग्री किया था. एंड ऑब्वियसली यहां पर ना हम ये नहीं बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, यहां बोलेंगे हम ओपिनियन ही देना नहीं चाहते, यहां बोलेंगे यहां हम ओपिनियन ही नहीं देना चाहते, इसलिए लैंग्वेज आएगा वी
डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. आई एम नॉट सेइंग कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, वो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया. क्यों डिसाइड नहीं कर पाया? क्योंकि मुझे बहुत सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं. ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, इसके सिनेरियोज भी आपके साथ बताएंगे, बट नॉर्मली ये वो सिचुएशन है जहां ऑडिटर बोलना चाहता है कि मैं ओपिनियन ही नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मुझे क्या नहीं मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला है. पढ़िए जरा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Why? Because of the significance of the matter, जो हमने basis paragraph में बताए हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं, we have not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidences. थोड़ा language ज्यादा आया क्या? अगर ये basic याद रहेगा तो discussion बहुत clean हो जाएगा, आसान हो जाएगा. इसीलिए मैं चाहता था एक बार prima facie क्वालिफाइड का लैंग्वेज क्या है, एडवर्स का लैंग्वेज क्या है, डिस्क्लेमर का लैंग्वेज है, आपको रिवाइज करवा देते जो आपने इंटर से पढ़ा होगा. शुरुआत करें डिस्कशन अभी, पक्का नोटबुक में जाइए, राइट डाउन. नंबर थ्री, डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब मॉडिफिकेशन आएगा, ये पॉइंट नंबर वन में समझ गया. अब कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर थ्री है. डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन कब आना चाहिए. इसके लिए उन्होंने बोला है, सबसे पहले दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट, देर आर टू फैक्टर्स जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि कौन सा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए. अगर आपने टेबल थोड़ा बहुत भी देखा होगा, इफ यू कैन रिकॉल, देर आर टू फैक्टर्स. नंबर वन इज द नेचर ऑफ मैटर giving rise to modification. Matter A है या B है, nature क्या है, पहला factor बनता है ये. दूसरा factor बनता है कि भाई auditor के judgment में जो गलती है उसका effect सिर्फ material है and not pervasive है, या material होने के साथ साथ में क्या है, pervasive भी है. ये दोनों factor मिलके ये decide करने में help करेंगे कि कब qualified आएगा, कब adverse and कब disclaimer. एक काम कीजिएगा, पहले समझिए दो reasons की वजह से, दो factors की वजह से ये decision होगा. क्या दो factor है, पहले ये शांति से word पढ़िए, nature of matter giving rise to, मतलब सोचो मॉडिफिकेशन किस वजह से आ रहा है. क्या मुझे गलती मिली इसलिए मॉडिफिकेशन दे रहा हूं, या मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और लगता है गलती हो सकती है इस वजह से मॉडिफिकेशन दे रहा हूं, रीजन ए है या बी है, पहले यह सोचना पड़ेगा. तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, नेचर ऑफ मैटर. दिस इज माई फैक्टर नंबर वन. इज दिस क्लियर टू यू? शांति से सोचो, ये दोनों चीजें आपने जो लिखी है यही आपके सर्कमस्टेंसेज है. आपने सर्कमस्टेंसेज जो लिखे वो दोनों सेम ही है. पढ़ेंगे कि एक बार आप सर्कमस्टेंसेस, नोटबुक में जाके सर्कमस्टेंसेस पढ़ो. पहले वाले में आपने क्या बोला, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल, मतलब दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. दूसरे में क्या लिखा, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन. एग्जैक्ट सेम चीजें लिखी हुई है, मतलब समझिए नेचर ऑफ मैटर इज सेम एज सर्कमस्टेंसेस. नेचर ऑफ मैटर इज सेम एज. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव. उसके लिए पहले मैं चाहता हूं आप एक बार शांति से ये लाइन को पढ़ें, रीड दिस पार्ट केयरफुली. यहां से ऑडिटर को जजमेंट यूज करना है किसके बारे में, परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट. किसका, ऑफ द मैटर. जो मैटर मिला है उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट तुम्हें परवेसिव लगता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग किस पे चेंज होने वाला है, परवेसिव. मटेरियल दोनों में कॉमन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जगह परवेसिव है एक जगह परवेसिव नहीं है. तो भाई परवेसिव क्या है आपको बताएंगे, बट उसके पहले दो फैक्टर समझ में आए क्या? अरे दो फैक्टर समझ में आए क्या? तो सर एग्जाम में देखो इस तरीके से आ सकता है, रीड दीज टू पॉइंट नाउ. The decision regarding which opinion is appropriate depends upon two factors. Read number one, the nature of matter giving rise to modification. Usme same cheez repeat karega wohi, that whether financial statements are materially misstated and whether you are not able to. Can I say repeat kar diya same as it is? And number two, the auditor judgment about the
परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल. कहना इसे वो सेम टेबल से उठा के दो फैक्टर लिखे हैं. टेबल से उठा के क्या लिखे हैं? दो फैक्टर लिखे. इतना समझ में आया क्या? अब फैक्टर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. शुरुआत करें पक्का. सबसे पहले मुझे लगता है लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड परवेसिव. वो एक बार समझ में आया तो थोड़ा ये टेबल आपका और क्लियर हो जाएगा. क्या मुझे आपको ये बीकॉम लेवल एग्जांपल देने की जरूरत है क्या कि कंपनी में प्रोविजन नहीं बनाया तो मिसस्टेटमेंट हो सकता है? मिसस्टेटमेंट की एग्जांपल तो थियोरिटिकल एग्जांपल सुन लो. प्रोविजन नहीं बनाना गलती है. प्रोविजन बनाया पर अमाउंट कम बनाया, ये भी गलती है. प्रोविजन का अमाउंट जानबूझ के बढ़ा दिया, ये भी एक गलती है. क्लासिक एग्जांपल प्रोविजन है, नंबर वन. नंबर टू, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग पॉलिसीज का मिसयूज किया. फॉर एग्जांपल आप फ्रीक्वेंटली अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं जस्ट टू अचीव द मैनिपुलेशन का आपका ऑब्जेक्टिव. कैन आई से बार बार चेंज करना विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन, ये भी एक मिसस्टेटमेंट है. बराबर है कि नहीं है? अगर आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया, उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये भी एक गलती है. नॉट गिविंग अ प्रॉपर डिस्क्लोजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिसस्टेटमेंट. मतलब मिसस्टेटमेंट के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से जो वैल्यूएशन किया वो अप्रोप्रिएट नहीं किया, क्योंकि वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट नहीं था, आपका प्रॉफिट या लॉस का जो अमाउंट है या तो ओवर वैल्यू हो गया होगा या अंडर वैल्यू हो गया होगा. दैट कैन बी अ मिस्टेक. मतलब जो मिसस्टेटमेंट वर्ड है वो बहुत जनरल है. इसमें आपको सिर्फ देखना है अकाउंटिंग में गलती है, क्लासिफिकेशन में गलती है या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में. चलो एक एग्जांपल देता हूँ. बायजूस के केस में एक लड़ाई चल रही थी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. द फाइट वॉज यू मेक अ कंटेंट. आप बायजूस का बिजनेस मॉडल जानते हैं कि ऑब्वियसली वो कंटेंट बनाते हैं, दे डिलीवर टू स्टूडेंट्स. बराबर है कि नहीं? अब आपने जो कंटेंट बनाया, लेट्स से मैंने कंटेंट डिलीवर किया यूजिंग अ टैबलेट. कंटेंट को मैंने टैबलेट में डाला और फिजिकल टैबलेट जो है मैंने स्टूडेंट को डिस्पैच किए. बराबर है कि नहीं है? अब ये टैबलेट जो है ये मैंने अमोर्टाइज करना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली उसको उसके यूजफुल लाइफ के हिसाब से अपोर्शन करना चाहिए, या खरीदने के साल में जिस साल के अंदर मैंने टैबलेट खरीदा और बेच दिया उसको उसी बुक्स के ईयर के अंदर एज अ एक्सपेंस कंसिडर कर लेना चाहिए? बिकॉज इंड एस या ए एस आपको डायरेक्टली हर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं बताता है. तो कहीं कहीं पर आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? जजमेंट यूज़ करना पड़ता है. अब आप थियोरिटिकली बोलेंगे तो जो बेसिक इंड एस वो क्या बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा वो टैबलेट की वैल्यू कितनी है एंड ओवरऑल आपके कंटेंट की वैल्यू कितनी है, उसके परसेंटेज हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे. इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉलर यू मे नॉट कंसिडर इट, इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज बिगर यू शुड थिंक ऑफ कैपिटलाइजेशन. But the problem is this amount can become bigger because if I deal with 3 to 4,000 crore rupees, अगर मेरा revenue involved 3 से 4,000 crore rupees है और मैंने almost हर एक candidate को at a certain level वो tablet बना करके provide करके दिया है, my amount spent on tablet itself can be few hundred crore rupees. Are you understanding this? If I take the entire hit in the P&L in the current year, my loss will increase. If I don't take the entire hit, obviously my loss will reduce. Can I say it can help me for manipulation very easily? बराबर है. तो आपको हर इंडस्ट्री के अंदर सिचुएशन अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? This was one of the reason the audit report was delayed for 4 months. The financial statements of the previous year were not signed because there were certain accounting issues which were not resolved between the auditor and the company. वो दोनों ही conclusion पे नहीं आ पा रहे थे and then eventually auditor resigned. Then eventually auditor, because he believed इतना काम करने के बावजूद भी अगर मुझे opinion देना ही नहीं है. See, दो option होते हैं, या तो disclaimer दूं या withdraw करूं. Disclaimer के अंदर भी report तो देना पड़ेगा, तो ये basis में सब लिखना पड़ेगा अलग अलग. problem क्या है? अब अगर मुझे खुद ही 100% certainty नहीं है, मैं disclaimer भी क्यों दूं? See, disclaimer is as good as withdrawal. It is not same, I understand. Technically they are different, but यू मे ऑल्सो कंसिडर रेजिग्नेशन. तुमको ये लगेगा ना मैं विड्रॉ कर देता हूँ, क्यों ही कंटिन्यू करना है? क्योंकि डिस्क्लेमर तब देता हूँ जब थोड़ी होप है अगले साल कंटिन्यू करना है. सी अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई एम विड्रॉइंग ऑब्वियसली आई नो दैट आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एनी मोर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ये क्लैरिटी है सामने वाले के पास, उसको मालूम है रिस्क इन्वॉल्व इतना बढ़ गया है. तो डोंट यू थिंक दी अच्छा मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेलॉयट वॉज द ऑडिटर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेलॉयट वॉज द ऑडिटर. एंड आयरनी है, डेलॉयट बहुत सारे अवार्ड्स बिजनेसेस को देता था. बायजूस वाज अवार्डेड द बेस्ट बिजनेस अवार्ड बाय डेलॉयट अर्लियर, लॉट ऑफ इयर्स बैक, नॉट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग इन 2015 2016
उस साल के जब इनिशियल फेजेस चल रहे थे ना बायजूस के, एंड इट वॉज मेकिंग गुड हेडलाइंस उस टाइम पे, बहुत सारे अवार्ड्स उनको, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अवार्ड्स मिस्टर बायजू हिमसेल्फ वाज गिवन वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड ऑल्सो इन दैट टाइम, एंड दे वर प्रमोटेड एंड होस्टेड बाय डेलॉयट ओनली. सो कभी कभी आपको थोड़ा आयरनी लगता है कि इवेंचुअली ऐसा हो जाता है, एंड ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंस क्वेश्चन भी रेस कर सकते हैं, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इन टू डिटेल. माई पॉइंट हियर इज इन सिंपल, आई एम नॉट मेकिंग सच क्लेम्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द रेफरेंस पॉइंट्स. बाय द वे, I am also one of the unfortunate investors of Byju's. That's why I know so much. So when you lose money, you read so much. Understand? When you're making money, don't read that much because things are going fine. But when you lose money, you start reading everything. Then you're like, because everything is worth 1 rupee now in your books because the values are down to zero, literally. So it's just one thing which I wanted to share. तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये देखने के लिए ठीक है, but in simple terms, जब हम देखते हैं कि भाई गलती मिली है तो आप उसके एग्जाम्पल्स हजारों पकड़ सकते हैं, बट आपके सामने जो एग्जाम्पल आएगा वो हमेशा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है. तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, इज दिस अ मिसस्टेटमेंट एज पर द डेफिनेशन. अगर हाँ तो नंबर टू क्वेश्चन आएगा मटीरियल है कि नहीं. उसके लिए आपको थोड़ा सा 320 में जाना पड़ेगा, दैट विल टॉक अबाउट मटीरियलिटी. उसके लिए हमको बेंचमार्क क्या होता है, मटीरियलिटी कैसे डिफाइन करते हैं बताया जाएगा. बट नॉर्मली ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट होता है. तो डिसीजन आएगा मिसस्टेटमेंट है, मुझे लगता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर सोचेंगे विच मॉडिफिकेशन. अगर यहां तक नहीं आए तो मॉडिफिकेशन नहीं आएगा. हो सकता है गलती है बट क्या नहीं है, मटीरियल नहीं है, तो अभी भी कौन सा ओपिनियन आएगा, क्लीन ओपिनियन आएगा. अगर गलती है और वो मटीरियल लगता है तो ही हम काम पर आएंगे, 705 में आएंगे. ऐसे कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स है, रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिएगा. आई एम श्योर आपको मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, उसमें जब आपको समय मिला पढ़ सकते हैं. स्पाइसजेट का एक बहुत पुराना रिपोर्ट है जहाँ उन्होंने बोला था provision has not been made for the interest of 74 million. Company ने provision नहीं बनाया है, obviously it's considered as a misstatement. और उन्होंने कौन सा opinion दे दिया, qualified opinion दे दिया. ये reason आपको हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा, basis paragraph में देखने को मिलेगा. तो you read the basis, you will get to understand उन्होंने क्यों modification दिया है. अभी के लिए मैं चाहता हूँ अब थोड़ा word pervasive पे जाते हैं. आपको दो factors थोड़े समझ में आए क्या, कि भाई number one नेचर ऑफ मैटर क्या है, एंड दूसरा वो मैटर परवेसिव है या नहीं है. उसके लिए लेट्स गो टू द वर्ड परवेसिव. नोटबुक में जाइए, मेरे सबसे कुछ 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, एक नोट नंबर 1 लिखिए. वो टेबल फॉर्म करना पड़ेगा अपने को आफ्टर दैट टेबल, सो लीव 4-5 लाइन्स, गिव अ नोट. मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव, लीव 4-5 लाइन्स, देन राइट डाउन मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव. Meaning of the word pervasive. थोड़ा याद है क्या definition? नहीं याद है. Intermediate में ये आपके syllabus में नहीं था, final में है. You should know the meaning of the word pervasive. This one word changes everything. Rather, this word will help you to decide कि आपका adverse आएगा या क्वालिफाइड आएगा, डिस्क्लेमर आएगा, क्वालिफाइड आएगा. डिसीजन मेकिंग एक ही वर्ड पे डिपेंडेंट है. सुनिएगा, ये वर्ड क्या बोलता है. दिस वर्ड इन ऑडिट इज यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट. जब आप एक गलती को ढूंढ ले या आपको लगता है गलती हो सकती है तो ही आप ये वर्ड परवेसिव के बारे में सोचें. अदरवाइज ऑडिट में कहीं पर भी ज्यादा परवेसिव का रेलेवेंस नहीं है. आएगा 315 के अंदर भी रेफरेंस दिया है उन्होंने वर्ड परवेसिव का ऑडिटर्स के रिगार्डिंग, बट जो मेजर एप्लीकेबिलिटी है वो कहां पर है, 705 में. तो सर अगर मुझे कोई गलती मिलती है या लगता है गलती हो सकती है तो मैंने वर्ड परवेसिव के बारे में सोचना है. मतलब परवेसिव ऑडिट में किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा, या तो कोई गलती है या कोई गलती हो सकती है. मुझे क्या करना है, उस गलती का या पॉसिबल गलती का इफेक्ट इवैल्यूएट करना है. क्या करना है, उस गलती जो मुझे मिल गई है या जो गलती हो सकती है उसका इफेक्ट मुझे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. अच्छा, इफेक्ट किसका है, किसके ऊपर आएगा गलती का, द गलती का इफेक्ट हमेशा आएगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपने प्रोविजन नहीं बनाया,
विल इट इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस. आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर दिया, विल इट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस. तो आपको देखना है जो गलती मिली है या जो गलती हो सकती है उसका कितना इफेक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये इवेल्युएट करने के लिए वर्ड परवेजिव याद रखना. अब सर परवेजिव क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. बिफोर दैट फर्स्ट टू लाइन्स पढ़िए मेरे साथ में, आइए. डेफिनेशन ऑफ परवेजिव, इट इज अ टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट. क्या डिस्क्राइब करने के लिए, या तो आप इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेंगे, किसका, मिसस्टेटमेंट का. कहना इसे ये पहला सर्कमस्टेंसेस से गलती मिल गई है, या सर देर कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका, मिसस्टेटमेंट का. बट इस बार गलती मिली नहीं होगी. देखो इफ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन. सर कहना इसे वही दोनों सर्कमस्टेंसेस फिर से आ गए कि मतलब या तो गलती मिली होगी उसका इफेक्ट इवैल्यूएट करना है, या मुझे गलती मिली नहीं है पर लगता है हो सकती है उसका इफेक्ट इवैल्यूएट करना है. इन दोनों चीजों के लिए क्या वर्ड कंसीडर करना पड़ेगा, परवेसिव. ये है नहीं, परवेसिव कब अप्लाई करना वो बता रहा है. परवेसिव क्या है वो अगले तीन पॉइंट के अंदर आएगा. दिस इज व्हेन डू वी यूज परवेसिव, व्हाट इज परवेसिव आगे आने वाला है. इज द फर्स्ट थ्री लाइंस क्लियर टू यू? वापस से फर्स्ट लाइन को पढ़िए. इट इज गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, परवेसिव कंसीडर ही कब करना है. पढ़िए एक बार. चलिए लिखिए, आई हेल्प यू. मीनिंग ऑफ परवेसिव डैश करके लिखिए. इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स. इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब the effects or possible effects, to describe the effects or possible effects ke brackets mein likhiye, auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. SAAE, auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Brackets close. Auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Brackets close. अब सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं, इट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, ब्रैकेट वाला छोड़ दो, इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, कंटिन्यू करो ब्रैकेट्स के बाद, of misstatements on the financial statements, effects or possible effects of misstatements on the financial statements. ये इंट्रोडक्शन है कि हमको परवेसिव यूज करना है मिसस्टेटमेंट्स के कंटेक्स्ट में. या तो गलती मिली है उसका इफेक्ट देखना होगा, या पॉसिबल इफेक्ट देखना होगा उस गलती का जो हमें मिली नहीं होगी. पर इफेक्ट किस पे आएगा, पॉसिबल इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अच्छा परवेसिव कब होगा सुनिएगा, अगर ऑडिटर के जजमेंट में, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दिस वॉज इंट्रोडक्शन. अगर ऑडिटर के जजमेंट में जो गलती आपको मिली है या जो गलती आपको लगता है हो सकती है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में जो गलती आपको मिली है या जो गलती हो सकती है इसका इंपैक्ट जो है इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया, मतलब इस गलती का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मल्टीपल एरियाज पे आने वाला है, परवेसिव इज समथिंग विच स्प्रेड्स. मतलब सर ये गलती एक जगह इंपैक्ट नहीं कर रही है, इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, मल्टीपल एरियाज पे आएगा. सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए, जब आपको लगता है कंपनी के अंदर फेक परचेजेस हैं तो शायद आपको लगेगा फेक सेल्स भी हो सकते हैं. अगर आपको लगता है फेक परचेजेस है मतलब डमी पेएबल्स भी हो सकते हैं, डमी रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं,
आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में चेंज हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी अगर रहेगा तो चेंज हो जाएगा, डोंट यू थिंक हर चीजों पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो जनरली जो फ्रॉड्स होते हैं, अगर मैनेजमेंट कैटेगरी के फ्रॉड्स होते हैं जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व बड़ा होता है, वो परवेजिव इसलिए नॉर्मली माने जाते हैं क्योंकि उनका इफेक्ट एक एरिया पे नहीं आता है, उनका इफेक्ट कहां पर आता है, मल्टीपल एरियाज। बट अगर मैं बोलूं सिर्फ एम्प्लॉय कैटेगरी का फ्रॉड है कि उसने क्या कर लिया, इन्वेंट्री वगैरह चोरी कर लिया होगा, तो क्या आएगा, इंपैक्ट एक एरिया में रहकर कन्फाइंड हो जाएगा। तो सर सिंपल है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में गलती जो मिली है या जो हो सकती है उसका इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया, मतलब इट इंपैक्ट्स मल्टीपल एरियाज ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे ये गलती क्या है, परवेसिव है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा चीज, हो सकता है गलती का इंपैक्ट एक ही एरिया में, हो सकता है गलती का इंपैक्ट एक ही एरिया, इट इज नॉट इंपैक्टिंग मल्टीपल एरिया, बट वो एक ही एरिया सिग्निफिकेंट हो सकता है क्या, हाँ इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सोचिए एक कंपनी था रिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, RICOH, रिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जापान का एक रिको ओरिजिनल कंपनी है, उसका सब्सिडरी था। जापानीज जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कुछ 450 करोड़ का लोन दिया था। अगर मैं बोलूं टोटल बैलेंस शीट 800-900 करोड़ रुपए की है, उसमें आपके पास एक लोन है 450 करोड़ का, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कंपनी से पूछा आपने लोन क्यों लिया है, उन्होंने बोला पता नहीं। पेरेंट कंपनी से पूछा आपने लोन क्यों दिया है, उन्होंने पैसा मांगा इसलिए हमने दे दिया। एक्चुअल हुआ बाय द वे इट वाज अ लिस्टेड कंपनी लॉट ऑफ इयर्स बैक, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 2016-2017 की बात है। ये रिको जापान का एक बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है, वो इंडिया में लिस्टेड था जो बैंकरप्ट हो गया, इवेंचुअली स्टॉक खत्म हो गया पूरा, इट वॉज अ लिस्टेड बिजनेस इन इंडिया एंड जो कंपनी का मैनेजमेंट था वो भाग गया। बट रिको जो जापान है उसका रेपुटेशन लॉस हो गया क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियन एंटिटी थी उसका नाम भी रिको ही था, सो द रेपुटेशन लॉस फॉर जापानीज एंटिटी वॉज बिग, इट रीच टू सच अ लेवल वेयर जापानीज एंटिटी ऑफर्ड के काम करते हैं जितना हमारे शेयर होल्डर्स का लॉस हो गया, जो भी वैल्यू खत्म हो गया वो एडिशनल पैसा भी हम डाल देते हैं, बड़े बिजनेस चलते रहना चाहिए। बट इवेंचुअली बिजनेस वहां से चले गया इंसॉल्वेंसी, आपको मालूम है, वहां से आपको मालूम है किसने उस बिजनेस को परचेज किया, रेयर एंटरप्राइजेस, रेखा एंड राकेश झुंझुनवाला, दे अक्वायर्ड दैट एंटिटी फॉर पीनट्स, रिवाइव द एंटिटी, दे आर द न्यू शेयर होल्डर्स एंड द बिजनेस ऑब्वियसली डिड फिनोमिनली वेल, इट्स नॉट लिस्टेड एनी मोर, इट्स अ प्राइवेट बिजनेस। एंड रिको के जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनको अभी भी मैसेज आते रहता है, ईमेल आते रहते हैं दैट आपको अगर अपने शेयर सरेंडर करने हैं पुराने वाले तो हम उनको खत्म करके नई एंटिटी के अंदर सब खत्म करने को तैयार है। अंडरस्टैंडिंग दिस, सो इंपैक्ट इज इन ओनली वन एरिया, बट दैट वन एरिया, एक सिंगल लोन का अमाउंट दैट इज 50% ऑफ योर बैलेंस शीट। कैन आई से इट कैन बी वन एरिया बट कैन इट स्टिल बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस इट्स कॉमन। तो आप समझिए पहला चीज, या तो गलती का इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज में है या उसका इंपैक्ट एक ही एरिया में है, बट वो एक ही एरिया भी क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। आइए एक बार पढ़िए मेरे साथ में, देन आई विल हेल्प यू टू समराइज। देखो, परवेसिव इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट्स विच इन ऑडिटर्स जजमेंट, पहला बोलता है, आर नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट, Not confined to an account, not confined to an item, मतलब उसका impact multiple items पे आएगा, multiple account balances पे आएगा, multiple elements पे आएगा, basically balance sheet में multiple चीजें होती है, उन सब में से बहुत सारी चीजों पे impact आएगा, तो हम बोलेंगे गलती क्या है, pervasive है। सबसे common actually में ये condition number one होता है, and it includes your management category frauds, it includes your management category frauds, आपका सत्यम वाला example ले लीजिए, रिको वाला एग्जांपल ले लीजिए, रिको वाले केस में मेजर अमाउंट अल्टीमेटली लोन का था, बट बाद में समझ में आया दैट लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस वर आल्सो रूटेड सेपरेटली टू एक्चुअली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द बुक्स। बट इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं मल्टीपल एरियाज पे इंपैक्ट आ रहा है तो हम बोलेंगे 100% ये गलती क्या हो सकती है, परवेसिव हो सकती है। ये हमारा है फर्स्ट कंडीशन, नोटबुक में जाइए, अंडर परवेसिव राइट डाउन, आपने पहले एक पैराग्राफ लिखा होगा, इट इज अ टर्म यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुल स्टॉप करके अगले लाइन में लिखिए, अगले लाइन में लिखिए, परवेसिव इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, परवेसिव इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are those
दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट आर दोज दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंडीशन नंबर वन The effect or possible effect, condition number one, the effect or possible effect is not confined. The effect or possible effect is not confined to a specific account balance, to a specific account balance, comma, element. Not confined to a specific account balance, comma, element or item of FS. Account balance, element or item of FS. समझिए आपने क्या लिखा है. Pervasive effect तब होता है जब auditor के judgment में इनमें से कोई भी एक condition fulfill होती है. या तो sir गलतियों का effect एक area पे आएगा ही नहीं, multiple areas पे आएगा. It can impact multiple account balances बोल दो, multiple items बोल दो, multiple elements बोल दो, they all mean the same thing. हमें पता है इंपैक्ट इज नॉट कमिंग ऑन वन एरिया, इट्स कमिंग ऑन मल्टीपल एरिया. तो मैं बोल दूंगा ये गलती या पॉसिबल गलती क्या है, परवेसिव है. दिस इज कंडीशन नंबर वन. मेजॉरिटी केसेस में ये कंडीशन फुलफिल होती है. और कंडीशन नंबर टू लिखिए. और नंबर टू, इफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, इफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट is confined to a specific element, if the effect or possible effect is confined to a specific element which represents or could represent, which represents or could represent a significant or substantial portion, which represents or could represent a significant or substantial proportion of financial statements, significant or substantial proportion of financial statements. Agar koi bhi ट्रिकी सिचुएशन आया तो वो नंबर टू पे आएगा, क्योंकि वन इज वेरी कॉमन, एवरीवन नोज. नंबर टू सुनिएगा, इसका इंटरप्रिटेशन है. देखो लैंग्वेज में देखो डायरेक्टली बोला, इंटरप्रिटेशन मुश्किल था यहां पे. देखो उन्होंने क्या बोला, पहले मैं बोला इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया, समझ गया. इफ सो कन्फाइंड का मतलब क्या है, इफ सो कन्फाइंड का मतलब है इट इज इंपैक्टिंग ओनली वन एरिया, इट इज इंपैक्टिंग ओनली वन एलिमेंट. बट वो एक एरिया, वो एक एलिमेंट भी क्या है, रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट कर सकता है अ सब्सटेंस. सर ये रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट क्यों आया, क्योंकि गलती मिल गई होगी तो रिप्रेजेंट आएगा, गलती हो सकती है तो कुड रिप्रेजेंट आएगा. बात समझ में आया क्या. बट सर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ, अरे वो बैलेंस शीट का 50% होगा. ये आपको लगता है ये इतना सिग्निफिकेंट रहेगा कि मेरे यूजर इसके बेसिस पे ये डिसीजन ले लेंगे ये हमको बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करना है. कैन आई से इट हैज टू बी समथिंग सिग्निफिकेंट, इट कैन बी वन एलिमेंट, इट कैन बी वन इवेंट, बट दैट हैज टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट वन, जिससे कि हमें लगे शायद पूरा बिजनेस के अंदर क्या आ सकता है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. देखो परवेसिव मतलब समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. बट सर ये तो थियोरिटिकल है, रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है. उसके लिए उन्होंने तीन कंडीशन दी है, बहुत सोच समझ के तीनों कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये तीनों कंडीशन आपको नहीं आती है, आपको 705 नहीं आता है. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, बाकी सब चीजें टाइम पास है, परवेसिव ही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है. इसके बिना सही मॉडिफिकेशन डिसाइड नहीं हो सकता है. पहले तो जो गलती मिली है या जो गलती हो सकती है, क्या उसका इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज पे है क्या, तो हम शायद बोल देंगे परवेसिव है. जनरली इसका क्लासिक एग्जांपल होता है मैनेजमेंट कैटेगरी फ्रॉड. आपको मालूम है जब कोई मैनिपुलेशन करेगा, बेवकूफ नहीं है, सिर्फ सेल्स को बढ़ाएगा.
इमीजिएटली आप थोड़े रेशो एनालिसिस करोगे, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जिसको मैनिपुलेशन करना है वो सब कुछ मैनिपुलेट करेगा। आइडियली उसे अगर चाहते हैं कि विजिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, वो खर्चे भी मैनिपुलेट करेगा, रेवेन्यू भी मैनिपुलेट करेगा, रिसीवेबल्स भी दिखाएगा, पेएबल भी दिखाएगा, इन्वेंट्री के बैलेंसेस भी चेंज करेगा। दे विल ट्राई टू चेंज ऑल पॉसिबल एरियाज ताकि आसानी से समझ में ना आए कि मैनिपुलेशन है। रिमेंबर दैट। तो कैन आई से इम्पैक्ट विल बी ऑन मल्टीपल एरियाज। इसीलिए पहले का क्लासिक एग्जाम्पल मैनेजमेंट कैटेगरी फ्रॉड होता है। दूसरा सिचुएशन, इंपैक्ट शायद एक ही एरिया पे है, बट वो एक एरिया पे क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। अब यहां पर आ सकते हैं आपके बहुत बड़े एक्विजिशंस। वन बिजनेस इज ट्राइंग टू अक्वायर अ सिग्निफिकेंट बिजनेस जो मेरी बैलेंस शीट का एक बड़ा पार्ट बन जाएगा, बट वो एक्विजिशन का वैल्यूएशन गलत हो सकता है, उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा होगा। तो हो सकता है इट कैन बी वन ट्रांजैक्शन, इट कैन बी वन इवेंट, और इट कैन बी वन एरिया, बट दैट वन एरिया कैन बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमेशा सरकमस्टेंसेस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस कंडीशन पर वन एंड टू क्लियर टू यू? अब थर्ड कंडीशन जो है वो रिलेटेड टू डिस्क्लोजर है। किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर। ये दोनों थोड़े अमाउंट से रिलेटेड थे, तीसरा वाला किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से। राइट डाउन कंडीशन नंबर थ्री। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स, इट इज फंडामेंटल, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स, it is fundamental to the user's understanding, it is fundamental to the user's understanding of financial statements, to the user's understanding of financial statements। Abhi, let's take an example। Zomato acquired Blinkit few years back, you know that, right? And it was a listed company when it acquired Blinkit. And when they acquired Blinkit, there was a question, the price or the value jo unhone Blinkit ko diya wo bahut exorbitant tha। Exorbitant matlab unexpected tha ki aap itna price kyun de sakte ho। Iske piche bahut theories bhi aayi। One of the theory was that Blinkit ka founder was the classmate of Zomato's founder। Yeah, there are lot of theories around this। And लोगों ने पूछा शायद ये valuation justify कैसे करेंगे। Now Zomato is going to be a listed company, they are not a startup anymore। कि मैंने 100 की चीज को 1000 में खरीद लिया, no one is there to ask me, my investor is fine, who the hell are you? But if I'm a listed company, I have to give disclosures, I have to report it to NSE BSE also for my users to be there। बराबर है कि नहीं है? प्लस मेरे को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ये क्यों किया। तो मालूम है दैट वॉज द टाइम जोमैटो को धो धो करके 40 पे लेके आ गए थे। जो ये जोमैटो आज द एंटायर वर्ल्ड इज वेरी प्रेजिंग अबाउट द स्विगी IPO एंड द जोमैटो, द एंटायर वर्ल्ड वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट जोमैटो। इट वॉज नॉट वेरी फार, कुछ साल पहले की बात है, द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 40 रुपीज, अदर इवन बिलो 40 भी आया था। You get my point? And people claimed on national television that it will be below 10 rupees. People thought that it is very close to idea। I'm trying to say, tab bhi idea bura tha। So bottom line is, जब आप एक listed business बन जाते हो, कभी कभी कुछ information को बराबर से present करके नहीं देना आपके लिए बहुत मुश्किल बन सकता है। Rather, it went so negative against Zomato। The reason was, the people who run Zomato, they believe that people cannot understand what we understand। When we are acquiring Blinkit, you know, they gave a justification। जब स्टॉक का इतना धुनाई हुआ तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। उनका जस्टिफिकेशन क्या था, आपको ये भी बोलता हूँ, तब भी मैं Zomato का इन्वेस्टर था इसलिए मैंने पढ़ा। I was losing money again। So trust me, when you are losing money, you learn the best according to me। You have to learn, there is no other option, because you read everything। मतलब I will try to find any notification any day comes on the company, because I need to know what worst part can actually happen। So they gave a clarification। उन्होंने बोला कि अगर मेरे को Blinkit जैसा business आज की तारीख में खुद start करना है, if I don't acquire Blinkit, if I try to start the same business today, the amount of money I need to market my business and the amount of money I need to spend to get the IT infrastructure, the tech part ready so soon and have that logistic in place कि मैं deliver कर पाऊंगा, I may end up spending more money than what I actually paid। Up the problem is, this looks good as a
सेंटेंस, इट कैनॉट बी जस्टिफाइड. आई यू अंडरस्टैंड इट? आई कैनॉट जस्टिफाई कि मेरे को 3 महीने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए 100 करोड़ रुपए टेक में खर्च करना पड़ेगा. पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो समटाइम्स बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कैसे समझूंगी ट्रांजेक्शन क्यों किया. आई यू अंडरस्टैंडिंग? सेम क्वेश्चन वॉज आस्ट फ्रॉम फेसबुक 2012 का बात रहेगा, 12 साल पहले, व्हेन फेसबुक अक्वायर्ड व्हाट्सएप फॉर $1 बिलियन, लॉट ऑफ बिलियंस, नॉट इवन वन, $7-8 बिलियन दिया था अप्रोक्सीमेटली उस जमाने में. एंड व्हाट्सएप के पास में बिजनेस मॉडल नहीं था. व्हाट्सएप हैड लेस देन 50 एम्प्लॉइज, नो बिजनेस मॉडल, नो वे टू चार्ज मनी, एंड दे पेड $1 बिलियन टू अक्वायर दैट बिजनेस. डू यू नो वाई? बिकॉज देर वॉज अ गोइंग कंसर्न क्वेश्चन ऑन फेसबुक. फेसबुक को मालूम था दैट पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन व्हाट्सएप देन ऑन फेसबुक. That means we are replaceable. Are you understanding this? If we don't acquire right businesses at right time, I don't know how will I make money. But I know that if I don't make money through this, someone will acquire this. And I will get replaced. Are you understanding this? Because मेरे को तो वो Facebook का messenger बना करके integrate करने में इतना समय लग रहा है, ये तो messenger से शुरुआत कर रहे हैं. Are you understanding this? Because Facebook spent years to make that messenger seamless. एक जमाने में अलग अलग apps थे, उसे सीमलेस करने के लिए उसे समय लगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसने बोला, इसने शुरुआत ही वहां से किया जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है. ये मुझे कभी भी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर आता है, स्टेटस डालने का ऑप्शन आ ही जाएगा. दे न्यू दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट कैन लेट अस लिव. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज वाई समटाइम्स एज अ बिजनेस वेन यूर अक्वायरिंग, तब भी फेसबुक का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समटाइम्स ये चीजें. अभी एज अ ऑडिटर आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? यू आर सिटिंग इन अ बोर्ड रूम. When the company explains you, you get fascinated. You're understanding this. But the biggest challenge comes if the appropriate disclosures are not made. The amounts involved are really huge. Like for example, when Blinkit acquisition happened, Zomato ke major losses mein Blinkit ke losses the. Isiliye Zomato ka stock girte gaya. Kyunki logo ne usko digest nahi kiya, accept nahi kiya. So sometimes it can be one transaction, it can be one event, but that one transaction or event can have a significant part of impact on your overall financial statement. Aapko bas wo samajh karke evaluate karna zaruri hai, and accordingly apna stand rakhna zaruri hai, because as an auditor, it's purely dependent on your judgment. Do you understand point number A and B? थर्ड पॉइंट डिस्क्लोजर रिलेटेड समझ लीजिए. आपने ऐसा कोई एक्विजिशन किया, आपको अब ऑब्वियसली एक बराबर से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बराबर से अंडरस्टैंडिंग आए. अगर कोई एक एग्जांपल लिख दीजिए वहीं पे, फॉर एग्जांपल इन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. इन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का ही बराबर से डिस्क्लोजर ना दूं, दिस विल इंक्लूड माय रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दिस विल इंक्लूड माय पीपीई इन्वेंटरी, ऑल कोर पार्ट्स ऑफ माय बिजनेस विल कम अंडर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. किसी भी एक चीज का अगर मैं गलत डिस्क्लोजर दूं, इनअप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दूं, सर इसकी वजह से शायद मेरा पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है. तो सर उस केस में मेरे लिए क्या माना जाएगा? परवेजिव माना जाएगा. बैंकिंग बिजनेस में ये आपका प्रोविजनिंग वाला पार्ट हो सकता है, एनपीए एंड द प्रोविजनिंग व्हाट यू क्रिएट एज पर आरबीआई नॉर्म्स. अगर उसका डिस्क्लोजर आपको मालूम है ना, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजन नॉर्म्स गिवन बाय आरबीआई, अगर आप वो बराबर से डिस्क्लोज ना करो तो अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट पीएनएल का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. तो डिस्क्लोजर रिलेटेड गलतियां रेयरली होती है, बट पहली दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए. अब एक आईसीआई लेवल एग्जाम्पल, ताकि आपको परवेसिव का वैल्यू समझ में आए. वेरी टफ एग्जाम्पल, प्लीज बी केयरफुल. परवेसिव इज नॉट, दैट इज बेसिकली इट इज विच इज नॉट लोकलाइज, मतलब इसका इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज पे आएगा. ये बताने का ट्राई करेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेंट्री, बट द अदर एलिमेंट्स आर प्रॉपरली सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेंट्री इज लोकलाइज टू पॉसिबल मिस. लोकलाइज मतलब इंपैक्ट ऑन वन एरिया. Localized मतलब impact on one area, but has no impact on the other elements like trade receivables, PPE, payables. Therefore, हमें देखना पड़ेगा impact is pervasive or not, कि मतलब impact एक ही area पे आएगा या multiple area. ये उनका example. ऐसे का module का example. Basically, वो आपको बता ही नहीं रहे मतलब क्या होता है. आपको बता रहे हैं, आप अपने सबसे figure out कर लेना. लोकल है या मल्टीपल एरिया पे.
यू हैव टू फिगर दैट आउट. यूजलेस. बट डू यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परवेसिव? बेसिक मीनिंग समझ में आया क्या परवेसिव का? तो एक काम करते हैं, वो टेबल क्लोज करते हैं फटाफट से, टेबल क्लोज करते हैं, फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना आईसीए वाले जो इलस्ट्रेशन है. सो लेट्स क्लोज द टेबल एटलीस्ट. चलिए लेट्स मेक अ टेबल. नोटबुक में जाइए, आपने हेडिंग लिखा होगा डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, राइट? डिटरमाइनिंग वाला हेडिंग लिखा होगा ना आपने. अब टेबल बनाइए. पहला कॉलम आएगा नेचर ऑफ मैटर, फर्स्ट कॉलम नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन. नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन. Nature of matter giving rise to modification. This is your column one. Second column में लिखिए material but not pervasive. In third column में लिखिए material and pervasive. Second column material but not pervasive. In third में लिखिए material and pervasive. Three columns, nature of matter, material but not pervasive, and third one is material and pervasive. ठीक है. अब nature of matter में दो ही matters हैं जिसकी वजह से modification आता है. तीन column बनाए आपने, nature of matter, material not pervasive, material and pervasive. Under nature of matter, write down point number A. Under nature of matter, write down point number A. Financial statements are materially misstated. Financial statements are materially misstated under nature of matter, point number A. Financial statements are materially misstated. अब सुनिए, सिंपल सा है, सुन लीजिए दो मिनट के लिए, फिर टेबल फॉर्म कर लेंगे. देखो ये बोलता है, अगर मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले. अब क्वेश्चन ये है, अगर ये सिर्फ मटेरियल है बट क्या नहीं है? परवेसिव. अच्छा परवेसिव कब नहीं होगा? इसका इंपैक्ट सिर्फ मल्टीपल एरियाज पे नहीं आ रहा होगा. इंपैक्ट एक ही एरिया पे है बट वो एक ही एरिया सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होगा. डिस्क्लोजर रिलेटेड गलती नहीं होगी सर. इसलिए मुझे लगता है मटीरियल तो है बट क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है. तो कहना इसे यहां पर आप बोलना चाहेंगे सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट फॉर दीज फ्यू मिस्टेक्स. तो आप क्या दे सकते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं. तो सेकंड कॉलम में जाइए, मटेरियल बट नॉट परवेसिव के अंडर लिख दीजिए क्वालिफाइड ओपिनियन. क्या था? मटेरियल बट नॉट परवेसिव के नीचे लिख दीजिए क्वालिफाइड ओपिनियन. अब थर्ड कॉलम कह रहे हैं मटेरियल एंड परवेसिव. अब यहां पर लगता है गलती मिली भी है और गलती मल्टीपल एरिया को इंपैक्ट करती है. तो आप बोलेंगे शायद पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रिलायबल नहीं है. तो आप बोलेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. तो आप कौन सा ओपिनियन दे सकते हैं? एडवर्स ओपिनियन. क्या दे सकते हैं? एडवर्स ओपिनियन. तो थर्ड कॉलम में मटीरियल एंड परवेसिव के नीचे लिखिए एडवर्स ओपिनियन. दो मिनट के लिए सोचिए. सबसे कॉमन यही होगा, गलतियां मिलेगी. आपको यह डिसीजन लेना होगा कि गलती परवेसिव है या नहीं है. वो गलती मटेरियल होगी इसीलिए 705 में, मटेरियल नहीं होते तो 705 में होते भी नहीं. अगर मटेरियल है उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन. इसीलिए परवेसिव का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. चाहे आप जिंदगी में इंटर्नशिप का इंटरव्यू दो, क्वालिफिकेशन का पहला इंटरव्यू दो और 5 साल के बाद इंटरव्यू दो, अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिकल डिस्कशन होगा वो हमेशा कि भाई ये सिचुएशन था, इस सिचुएशन में हमने एज अ ऑडिटर क्या करना चाहिए. दे विल नॉट एक्सपेक्ट द करेक्ट आंसर. व्हाट दे विल एक्सपेक्ट इज द करेक्ट अप्रोच. अप्रोच के लिए आपको बताना पड़ेगा आई नीड टू थिंक फ्रॉम द परवेसिव पॉइंट ऑफ व्यू. कि परवेसिव वर्ड में पहले सोचूंगा ये गलती का इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज पे आ रहा था क्या, या गलती का इंपैक्ट एक ही एरिया पे आ रहा था पर वो कितना सिग्निफिकेंट था. फिर मैं सोचूंगा डिस्क्लोजर रिलेटेड गलती हुई थी क्या, कितना फंडामेंटल था मेरे यूजर्स के लिए. ये सब सोचने के बाद में ऑडिटर अपने जजमेंट का इस्तेमाल करके डिसीजन लेगा कि परवेसिव है या नहीं है. देखो तो एक थिन लाइन डिफरेंस है, परवेसिव हुआ तो क्वालिफाइड से कहां चले जाओगे? एडवर्स में. वरना कहां रह जाओगे? क्वालिफाइड में. एंड रिमेंबर, अगर ओपिनियन क्वालिफाइड हुआ ना इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है, बट अगर एडवर्स हुआ ना बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है बिकॉज इट इज गोइंग टू इंपैक्ट एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दैट डिफरेंस इज वेरी इजी फॉर अस टू कंक्लूड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू साइन एज अ ऑडिटर. इज दैट क्लियर टू यू?
कि आपको क्वालिफाइड और एडवर्स का डिफरेंस समझ में आया है यहाँ पे बच्चों. नाउ नेचर ऑफ मैटर पॉइंट नंबर टू, एक लाइन छोड़ के अंडर नेचर ऑफ मैटर पॉइंट नंबर टू, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ये सबसे मुश्किल है थियोरेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करना, बट डोंट वरी, जब हम कल थोड़े इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे आपको समझेगा. आज सिर्फ प्योरली बुक में क्या लिखा है वो अगर बोलना चाहूं, आपको एविडेंस नहीं मिले तो क्वेश्चन ही आएगा कितने एविडेंस नहीं मिले. तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई जो एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है गलती होगी, मुझे लगता है वो गलती मटेरियल होगी, बट ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो परवेजिव होगी कि नहीं होगी. तो ये सबसे मुश्किल इसलिए होता है कि जब मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता ना, पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसे और कितने एविडेंसेस हो सकते हैं कि अगर मैं ट्राई भी करूं तो नहीं मिलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सप्लायर रिलेटेड आप चेकिंग कर रहे हो, आपने कंपनी से परचेस इनवॉइस मांगा, उनके सब परचेस इनवॉइस अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या बोलेगा, अवेलेबल नहीं है, खो गया हो गया, वॉट एवर इट इज. तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, एक काम करना, उसके पास भी एक कॉपी रहेगा, उससे कॉपी मंगा के मेरे को दे दे. हाँ मैं मानता हूँ जेरोक्स कॉपी इज नॉट रिलायबल, ओरिजिनल सब ठीक है, बट पहले तो पूछोगे ना भाई उसके पास तो कॉपी है कि नहीं है. उसके पास भी कॉपी नहीं मिला तो डाउट क्या आएगा, ट्रांजेक्शन हुआ भी है कि नहीं है. तुमने जस्ट एंट्री पास कर दिया होगा, मे बी कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं होगा. अब अगर मान लो ऐसा एक बार हुआ तो आपको डाउट क्या आएगा, हो सकता है ऐसे और कितने इनवॉइसेस हैं, इतने और ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड हो गए होंगे, बट उनके रिगार्डिंग क्या नहीं होगा मेरे पास में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं रहेगा. आपको फिर वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे ट्रांजेक्शन हो भी कितने सकते हैं, फिर सोचेंगे वो ट्रांजेक्शन जो हो सकते हैं उनका अमाउंट इन्वॉल्व कितना होगा, वो एक ही एरिया रिलेटेड रहेंगे या ऐसे मल्टीपल एरिया में हो सकता है. तो इस केस में परवेजिव डिसाइड करना सबसे मुश्किल होता है. पहले वाले में गलतियां मिली है ना, तो परवेजिव है कि नहीं डिसाइड करना पॉसिबल है, क्योंकि आपके सामने फैक्ट्स होते हैं. दूसरे केस में आपके पास में फैक्ट्स ही नहीं होते हैं, इसीलिए अगर आपको थोड़े बहुत एविडेंसेस ना मिले और बाकी सारे एविडेंसेस मिल जाए तो शायद आप क्वालिफाइड देके छोड़ देंगे. बट नॉर्मली अगर आपको एविडेंसेस मिलना बंद हो जाए और आप क्वांटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि कितने एविडेंसेस नहीं है, तो नॉर्मली रिकमेंडेशन होता है कि ऑडिटर ने ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए, मतलब डिस्क्लेमर देना चाहिए. वहां बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो इसीलिए यहाँ पे क्वालिफाइड का रेलेवेंस बहुत कम है, या ज्यादा रेलेवेंस किसका है, डिस्क्लेमर का, क्योंकि यहां पर आप ऑडिट कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए वी हैव ऑडिटेड के जगह क्या आएगा, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट आएगा. सो अंडर मटेरियल बट नॉट परवेसिव राइट डाउन क्वालिफाइड, मटेरियल बट नॉट परवेसिव के नीचे लिखो क्वालिफाइड, एंड थर्ड कॉलम मटेरियल एंड परवेसिव के नीचे लिखो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे सबसे रेलेवेंट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि कब मैं डिस्क्लेमर. जस्ट इमेजिन आपने ऑडिट किया भी है और आपको लास्ट में बोलना है कि मेरे को ओपिनियन भी नहीं देना है, इट इज इवन टफर देन एडवर्स. इट इज अ सिचुएशन वेयर यू विल थिंक दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, एनी ओपिनियन गिवन बाय मी विल बी रॉन्ग, इवन इफ आई से इट्स नॉट रिलायबल वो भी गलत है, इफ आई से रिलायबल वो भी गलत है. ये वो सिचुएशन है. इसमें एक और सर्कमस्टेंसेज आता है जो आपको कल और बताएंगे, बट अभी के लिए इतना टेबल का अंडरस्टैंडिंग आया है क्या बेसिक. दो मिनट स्पेंड कीजिए, सिर्फ 705 में आज क्या लिखवा है एक बार रिवाइज कीजिए शांति से. जस्ट रीड वॉट वी टॉक अंडर 705, दिस वॉज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू 705.
डन, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, आई यू एबल टू अंडरस्टैंड? सी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट वाज डिस्कस इन इंटर बिकॉज इट वाज सिमिलर, बट यहाँ से आगे जो इलस्ट्रेशन है और जो एप्लीकेबिलिटी है, दिस इज़ वेयर आई वुड एक्सपेक्ट कि थोड़ा फाइनल में आपको एप्लीकेशन और स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर वाला जो पार्ट था, सडनली 145 के साथ साथ में एथिक्स भी आ गया. ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फाइनल के अंदर ज़्यादा केयरफुली कंसिडर करनी है बिकॉज जो क्वेश्चन है वो आपको ये टेबल बनाने के लिए नहीं देंगे. इसलिए टेबल पे टाइम स्पेंड करने के बजाय बाद में पूरा टाइम जो स्पेंड होना चाहिए वो सिर्फ क्वेश्चन कैसा आएगा और मेरे को लिखना क्या है, ड्राफ्टिंग कैसा करना है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्वालिफाइड में लैंग्वेज कैसा होता है, एडवर्स में लैंग्वेज कैसा होता है, डिस्क्लेमर में लैंग्वेज कैसा है, दैट इज वेयर यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर फोकस्ड. अब ऑब्वियसली विदाउट टीचिंग यू द टेबल 705 कैन नॉट गेट ओवर. इफ आई डोंट टीच यू डेफिनेशन ऑफ परवेसिव 705 समझ ही नहीं सकता है. तो कुछ तो आपको बेसिक्स बताना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. बट इज दिस क्लियर टू यू? पेज ठीक जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? अब आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आई नो बहुत ही मुश्किल रिक्वेस्ट है फाइनल वालों से करने के लिए. आप घर जा करके थोड़ा बहुत जो आप लिख रहे हैं एटलीस्ट दैट मच कैन यू गो थ्रू 5 to 10 minutes मे बी. सी स्टार्ट डूइंग इट, आई टेल यू वॉट, इफ यू डू दैट इन 1 month, आई टोल्ड यू दिस इन इंटरवल्स, आई एम टेलिंग यू नाउ ऑल्सो, इफ यू डू दैट देन ओनली योर लर्निंग इन द क्लासरूम विल बिकम इफेक्टिव. सेम अज्यूमिंग फेस टू फेस में तो आप बैठे ही हो, इसलिए रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स डोंट फील बैड, इट्स ओके. आप बैठे ही इसलिए बिकॉज आपको मालूम है अकेले पढ़ना मुश्किल है, तो और आपके लिए इफेक्टिव स्टडी तभी हो पाएगा अगर थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लोगे. तो मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, सिर्फ जो मेरे पहले 12 chapters है ओनली स्टैंडर्ड्स प्लस एथिक्स, इतने में जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो कर लो, बचे हुए में आपको जो करना करना, इट इज ओके. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू पास. मतलब मैं श्योर हूँ कि एटलीस्ट सिखाने वाला काम भी हो जाएगा, पास करने वाला काम भी हो जाएगा, बाकी इट इज ओके, यू मैनेज. I will teach you, but I will not force you to follow anything. But in this case, trust me, थोड़ा बहुत अगर आप read करते जाओगे, otherwise I will not want to waste your time making you write all this. But क्या है, आप उसको फटाफट read कर लोगे. Book के अंदर number of pages बहुत सारे लगेंगे, आपको थोड़ा psychologically पहले 5 days ठीक लगेगा, उसके बाद बुरा लगना शुरू हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ सकता है मैं. But notebook at least तुम उतना sincerely पढ़ सकते हो. Can you do that? Perfect. I'll see you tomorrow. Bye. Thank you. Thank you online students.